हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलिए आइएगा, शुरू करते हैं हम कस्टम्स वैल्यूएशन के आगे कंटिन्यूएशन में। हमने लास्ट क्लास में देखा था कि बेटा बाहर से जब भी कोई गुड्स आते थे तो इंडियन पोर्ट पर उतरते थे और पोर्ट पर एक कस्टम ऑफिसर खड़ा रहता है जो इम्पोर्टर से कस्टम ड्यूटी चार्ज करता है और कस्टम ड्यूटी चार्ज करते वक्त वो दो वैल्यूज लेता है, एक वैल्यू ऑफ गुड्स एंड दूसरा रेट ऑफ ड्यूटी। रेट में तो कोई दिक्कत नहीं आती, ये रेट हमें कस्टम टैरिफ एक्ट बताता है और अगर ये रेट ना गिवन हो आप 10% प्रिज्यूम कर लेंगे, लेकिन जो वैल्यू जिस पे ड्यूटी निकलती है उसे हम बुलाते हैं असेसिबल वैल्यू। और क्योंकि सर ड्यूटी पोर्ट पर निकल रही होती है तो हम असेसिबल वैल्यू भी कहां तक की वैल्यू लेते हैं, पोर्ट तक की वैल्यू लेते हैं। ठीक है, अब ये वैल्यू हमें पोर्ट तक लेनी है तो हमने पीछे देखा रूल 3 के अंदर जिसने कहा कि सर फॉरेन पोर्ट तक शिप में गुड्स के अमाउंट को चढ़ाने का जितना भी खर्चा आया उसे हमने नाम दिया एफओबी वैल्यू, और जितना भी खर्चा एक्सपोर्टर ने किया था वो सारा खर्चा एक्सपोर्टर इंपोर्टर से चार्ज कर लेता है इन द नेम ऑफ ट्रांजैक्शन वैल्यू, वेयर जनरली ट्रांजैक्शन वैल्यू एंड एफओबी वैल्यू आर ऑलमोस्ट सेम। हाउएवर इसके बाद का जितना भी खर्चा होता है यानी रस्ते का फ्रेट, रस्ते का इंश्योरेंस, वो सारा का सारा खर्चा ऐड कर दिया जाता है इन ऑर्डर टू कंप्यूट वैल्यू एट इंडियन पोर्ट, और उस वैल्यू को हम क्या नाम देते हैं, सीआईएफ वैल्यू। फिर इसमें हमने देखा था इस सीआईएफ वैल्यू को हम असेसिबल वैल्यू मान लेंगे ड्यूटी निकालने के लिए, और क्योंकि ये सीआईएफ पोर्ट तक की वैल्यू है तो उसमें ये दो खर्चे फ्रेट और इंश्योरेंस के हमें जोड़ने ही जोड़ने होंगे। इनके बारे में रूल 10(2) ने बताया, रूल 10(2) ने कहा भाई साहब अगर ये खर्चे गिवन है तो एयर के केस में हमें कितना लेना है एक्चुअल कॉस्ट और 20% ऑफ एफओबी व्हिच एवर इज लेस, अगर अदर देन एयर है तो एक्चुअल कॉस्ट हमें पता है तो एक्चुअल कॉस्ट ऐड कीजिएगा, एक्चुअल कॉस्ट नहीं पता तो 20% ऑफ एफओबी आपको ऐड करना होगा। हाउएवर इंश्योरेंस के केस में अगर आपको एक्चुअल कॉस्ट पता है तो एक्चुअल कॉस्ट ऐड कीजिए, नहीं तो 1.125% ऑफ एफओबी आपको ऐड करना पड़ेगा। ठीक है बेटा, चलिए अब ये रूल 10(2) के खर्चे थे जो हमने फ्रेट और इंश्योरेंस के नाम से देखे थे, इसके आगे हम कंसिडर करते हैं रूल 10(1) के खर्चे। रूल 10(1) में देखिएगा उन्होंने और बहुत सारे खर्चे मेंशन किए, आज हम इसको पढ़ेंगे। बहुत सारे खर्चे दिए गए जिनको मैं क्लास में एक्सप्रेस्ड एडिशंस या एक्सप्रेस्ड एडजस्टमेंट्स का नाम दे देती हूं। एक्सप्रेस्ड का मतलब है बेटा अब जो भी खर्चे जो भी एडजस्टमेंट हम पढ़ेंगे वो सिर्फ और सिर्फ आपको तब ऐड करनी है असेसिबल वैल्यू निकालते वक्त जब वो एक्सप्रेसली आपको क्वेश्चन के अंदर दी गई हो। अगर वो वैल्यूज क्वेश्चन में आपको मेंशन नहीं है तो उनके अमाउंट को आप कभी भी कंसिडर नहीं करेंगे। जैसे हम पहला खर्चा देखते हैं कमीशन का। अब ये कमीशन क्या होता है बेसिकली सोचिएगा। सर कमीशन वो पेमेंट होती है जो एजेंट्स को पे की जाती है, कोई भी पेमेंट जो प्रिंसिपल अपने एजेंट को दे रहा है उसको हम कमीशन कहते हैं, और प्रिंसिपल के बिहाफ पे एजेंट जो भी काम करता है उसके लिए एजेंट अपनी कमीशन चार्ज करता है। अब मान लीजिए इंडिया में मेरा इंपोर्टर है और यूएस में मेरा एक्सपोर्टर है। मेरा एक्सपोर्टर कहां बैठा है, यूएस में बैठा है। अब यूएस का एक्सपोर्टर ऑब्वियस सी बात है बेटा खुद यूएस में बैठा हुआ है तो अपना एजेंट कहां अपॉइंट करना चाहेगा, उस जगह जहां पे वो अवेलेबल नहीं है। एंड इंडिया में जो इंपोर्टर बैठा हुआ है क्योंकि वो खुद इंडिया में बैठा हुआ है तो वो अपना एजेंट कहां पे अपॉइंट करना चाहेगा, ऐसी जगह जहां पे वो खुद नहीं पहुंच सकता,
यानी जनरली अगर क्वेश्चन साइलेंट है और कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है तो मान के चलिएगा कि इंडिया में बैठा हुआ एजेंट किसका है, एक्सपोर्टर का, और यूएस में बैठा हुआ एजेंट किसका होगा, इंपोर्टर का। ठीक है बेटा। अब क्योंकि यूएस का एजेंट बाहर बैठा है, यूएस में बैठा है, तो अपनी कमीशन कौन सी करेंसी में डिमांड करेगा, डॉलर में, फॉरेन करेंसी में। और इंडियन एजेंट जो एक्सपोर्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है, इंडिया में बैठा हुआ है, वो अपनी पेमेंट कौन सी करेंसी में लेगा, रुपीस में। जनरल लॉ है। अच्छा, अब एक्सपोर्टर जिसको हम सेलर भी कह सकते हैं, ये सेलर अपने एजेंट को जो कमीशन दे रहा है, मैं आज से उसे नाम दे दूंगी सेलिंग कमीशन। और इंपोर्टर यानी बायर जो इंडिया में बैठा है, वो अपने एजेंट को जो कमीशन पे करेगा, आज से मैं उसको बुलाऊंगी बाइंग कमीशन। ठीक है बेटा। बायर के एजेंट की कमीशन बाइंग कमीशन, सेलर के एजेंट की कमीशन सेलिंग कमीशन। अब एक्सपोर्टर ने इंपोर्टर को गुड्स बेचे और इसके बदले इंपोर्टर एक्सपोर्टर को पेमेंट करेगा, जो भी ट्रांजैक्शन वैल्यू में लिखा हुआ है, जो भी इनवॉइस प्राइस में लिखा हुआ है। और जनरली बताइए, इनवॉइस प्राइस में, ट्रांजैक्शन वैल्यू में सेलर कितना चार्ज करता होगा? सर ऑब्वियस सी बात है, सेलिंग प्राइस के अंदर एक्सपोर्टर के उसके सारे खर्चे प्लस उसका प्रॉफिट मार्जिन जुड़ा हुआ होगा। ठीक है, मान लेते हैं एक्सपोर्टर इंपोर्टर से 15 लाख चार्ज कर रहा है और उसमें से 1 लाख रुपए की कमीशन दे रहा है। ठीक है, तो जो कॉस्ट है, ये जो कॉस्ट है जो ट्रांजैक्शन वैल्यू में जुड़ी हुई है, इस कॉस्ट में एक्सपोर्टर ने अपने कमीशन का भी खर्चा जोड़ा होगा जो वो अपने एजेंट को पे करेगा, है कि नहीं। अब अल्टीमेटली दिक्कत क्या है, दिक्कत समझिएगा। दिक्कत ये थी कि वो एक्सपोर्टर जो बाहर बैठा हुआ था, उसे पेमेंट चाहिए थी डॉलर में और इंडियन इंपोर्टर के पास करेंसी अवेलेबल थी रुपीस में। तो पहले इंपोर्टर ने रुपीस से डॉलर कन्वर्ट किए होंगे और फिर एक्सपोर्टर को पेमेंट की होगी, एंड देन एक्सपोर्टर को जब 15 लाख मिल गए होंगे तो अपना अमाउंट निकाल के फर्दर 1 लाख एक्सपोर्टर को अपने एजेंट को पे करना होगा जो इंडिया में बैठा है, यानी एक्सपोर्टर को अपने डॉलर में से रुपीस को कन्वर्ट करके अपने एजेंट को देना पड़ेगा। अब सर ये थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन हो गई, क्यों? इंपोर्टर से पैसा जा रहा था एक्सपोर्टर पे और एक्सपोर्टर से आ रहा था एजेंट में, यानी रुपीस से डॉलर और फिर डॉलर से रुपीस करेंसी कन्वर्जन हो रही थी। अब आप सबने पढ़ा सुना होगा कि सर फॉरेन एक्सचेंज का रेट डेली बेसिस पे फ्लक्चुएट करता है, डेली बेसिस पे डिमांड सप्लाई के इक्विलिब्रियम के अकॉर्डिंगली डॉलर या तो महंगा होता है या सस्ता होता है। तो वट एवर द केस में भी, डॉलर महंगा हो या सस्ता हो, दोनों में से एक ना एक पार्टी को, चाहे वो एक्सपोर्टर हो या एक्सपोर्टर का एजेंट, किसी ना किसी को तो लॉस बेयर करना पड़ेगा ड्यू टू फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन इन द मार्केट। तो ऐसी सिचुएशन में इस फॉरेक्स फ्लक्चुएशन से बचने के लिए एक्सपोर्टर इंपोर्टर से एक अंडरस्टैंडिंग बैठा लेता है, एक म्यूचुअल सहमति से एग्रीमेंट करता है और कहता है एक्सपोर्टर इंपोर्टर को कि भाई आपको 15 लाख मुझे देने हैं, आप मुझे 15 मत दो, आप मुझे खाली 14 लाख रुपए दो। ये सारी करेंसी मैं रुपीज में बात कर रही हूँ, लेट से आप मुझे 14 लाख दो, यानी वो अपनी कमीशन, जो अपने एजेंट को कमीशन देनी है, वो नहीं मांग रहा। वो कह रहा है आपको सर सिर्फ और सिर्फ मुझे कितना पे करना है, आप मुझे 14 लाख रुपए दीजिएगा और मेरे 14 में से 14 तो मेरी पेमेंट है, जो मेरे को 15 लेनी थी, उस 15 में से 1 लाख रुपए
मेरे एजेंट को कमीशन पे कर दीजिएगा। अब भाई एक्सपोर्टर ने इंपोर्टर को कहा मेरे बिहाफ पे मेरे एजेंट को पेमेंट कर दो 1 लाख रुपए, तो इससे क्या इंपोर्टर को कोई दिक्कत होगी ना? अब बस फर्क क्या होगा, वो पेमेंट जो एक्सपोर्टर अपने एजेंट को कर रहा था, बार बार फॉरेक्स की फ्लक्चुएशन से नुकसान झेल रहा था, उसको अवॉइड करने के लिए एक्सपोर्टर ने इंपोर्टर को कह दिया आप मेरे बिहाफ पे मेरे एजेंट को रुपीज टू रुपीज पेमेंट कर दीजिएगा, इससे मेरा भी फॉरेक्स अकाउंट में लिमिटेड अमाउंट आएगा और ये जो फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन से नुकसान हो रहा है मैं इससे भी कुछ हद तक बच पाऊंगा। ठीक है बेटा, अब अल्टीमेटली क्या हुआ इस पूरे सिनारियो के अंदर, इंपोर्टर ने 14 लाख रुपए दिए एक्सपोर्टर को और ये 14 लाख रुपए एक्सपोर्टर के इनवॉइस में एज एन इनवॉइस प्राइस या ट्रांजैक्शन वैल्यू शो हो रहे थे। ठीक है, हाउएवर ऑन दी अदर साइड इंपोर्टर ने एक्सपोर्टर के बिहाफ पे, ऑन बिहाफ ऑफ एक्सपोर्टर, एक्सपोर्टर के बिहाफ पे उसके एजेंट को कमीशन पे कर दी एंड इंपोर्टर ने अपने बिहाफ पे डॉलर में कुछ पेमेंट अपने एजेंट को की, ये पेमेंट गई ऑन बिहाफ ऑफ इंपोर्टर हिमसेल्फ। अब सोच समझ के बताइएगा इसमें से कौन से खर्चे प्री इंपोर्टेशन है और कौन से खर्चे पोस्ट, विजुअलाइज करते हैं। सोचिए वो एक्सपोर्टर जिसने गुड्स की ओनरशिप इंपोर्टर के नाम पे कर दी है, वो अपने एजेंट को कमीशन इंपोर्टर के द्वारा माल मिलने से पहले पे करवाएगा या माल मिलने के बाद? मान लीजिए इंपोर्टर को गुड्स मिल गया और वो अपनी फैक्ट्री में क्लियर करा के ले जाता है और कल को उसके मन में लालच आ जाता है, वो पेमेंट करने से मना कर देता है, तो भाई साहब एक्सपोर्टर किसी भी हालत में इंपोर्टर से अपने पैसे निकलवा पाएगा ना? पॉसिबल नहीं है। तो प्रैक्टिकली स्पीकिंग एक्सपोर्टर इंपोर्टर को गुड्स मिलने से पहले पहले अपनी सारी पेमेंट करवा देता होगा। तो ये जो सेलिंग कमीशन पे हुआ बेटा, इसको अब से हम क्या मानेंगे? प्री इंपोर्टेशन एक्सपेंस। ये हमारे लिए क्या बन गया? प्री इंपोर्टेशन एक्सपेंस, क्योंकि इस एक्सपेंस के बिना इंपोर्टर गुड्स को पोर्ट से क्लियर करा के ले ही नहीं जा सकता। प्रैक्टिकली प्रैक्टिकली इंपोर्टर जब तक एक्सपोर्टर के पूरे पैसों की पेमेंट नहीं कर देता तब तक इंपोर्टर को बोला जाता है भाई साहब आप माल मत उठा के ले जाना, पहले आप पूरा हमारा पैसा पे कर दो। और क्योंकि प्री इंपोर्टेशन एक्सपेंस है, इंपोर्ट से पहले का खर्चा है, उस पॉइंट से पहले का खर्चा है जिस पॉइंट से आपको माल ले जाना था, देयरफॉर इस खर्चे को हम हमेशा क्या करेंगे बेटा? एड कर देंगे। इस खर्चे को हमेशा क्या किया जाएगा? एड किया जाएगा। हाउएवर ये इंपोर्टर जो अपने एजेंट को बाइंग कमीशन दे रहा है, सोच के बताइएगा ये कमीशन इंपोर्टर अपने एजेंट को कब देगा? जब माल यूएस पोर्ट से चल चुका है या माल जब इंडियन पोर्ट पे इंपोर्टर ने क्लियर करा लिया है? भाई प्रैक्टिकली स्पीकिंग इंपोर्टर अपने एजेंट को कमीशन इसलिए दे रहा है सो दैट उसका एजेंट इंपोर्टर के घर तक, इंपोर्टर की फैक्ट्री तक, इंपोर्टर के शोरूम तक, गोडाउन तक माल डिलीवर करा दे। तो भाई सिंपल सी बात, इंपोर्टर अपने एजेंट को पेमेंट कब करेगा, कब कमीशन देगा? जब एजेंट उसके प्रमाइसिस तक गुड्स को डिलीवर कर देता है। तो जब प्रैक्टिकली स्पीकिंग ये जो बाइंग कमीशन है तब दिया जाता है जब पोर्ट से माल इंपोर्टर क्लियर करा के अपनी फैक्ट्री में ले जाए, देयरफॉर इसको हम नाम देते हैं पोस्ट इंपोर्टेशन एक्सपेंस। इसको हम क्या नाम देंगे? पोस्ट इंपोर्टेशन एक्सपेंस। और पोस्ट है इंपोर्ट के बाद का खर्चा है, पोर्ट के बाद का खर्चा है, देयरफॉर इस खर्चे को हम हमेशा क्या करेंगे? इग्नोर। इस खर्चे को हमेशा क्या किया जाएगा? इग्नोर फॉर द पर्पस ऑफ कंप्यूटिंग कस्टम ड्यूटी। और यहाँ पे ट्विस्ट क्या है बेसिकली कि ये वो खर्चा है जो फॉरेन करेंसी में पे हुआ, उसको हम फॉरेन करेंसी के खर्चे को हम पोस्ट इंपोर्टेशन मानेंगे और इंडियन करेंसी के खर्चे को हम प्री इंपोर्टेशन खर्चा
मान लेंगे। पोस्ट इम्पोर्टेशन है तो बेटा सिंपल सी बात है इग्नोर होगा, प्री इम्पोर्टेशन है तो एडेड होगा। और हम कब मानेंगे ये प्री इम्पोर्टेशन है? तो उन्होंने कहा सर जब भी एक्सपोर्टर अपने एजेंट को कमीशन दिलवाएगा टू अवॉइड फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन इन इंडिया। तो जो भी खर्चा जो भी कमीशन सेलर के एजेंट को इंडिया में पे की जाएगी इम्पोर्टर के द्वारा ऑन बिहाफ ऑफ एक्सपोर्टर, वो सेलिंग कमीशन प्री इम्पोर्टेशन मानते हुए हम ऐड कर देंगे। हाउएवर अगर कोई बाइंग कमीशन है जो फॉरेन करेंसी में पे हो रही है इम्पोर्टर के द्वारा फॉर क्लियरिंग हिज गुड्स फ्रॉम फॉरेन पोर्ट टिल इंडियन पोर्ट टिल हिज फैक्ट्री, इसको हम पोस्ट इम्पोर्टेशन मानते हुए इग्नोर कर देंगे। Is that clear बेटा? तो आज से दिमाग में बैठाएंगे generally commission अगर question में दिया हुआ है rupees के अंदर तो वो हमारे लिए क्या होगा selling commission which shall be added, और अगर commission हमें दिया हुआ है foreign currency के अंदर तो हम मान के चलेंगे ये buying commission है, post importation expense है, therefore इसको हम ignore कर देंगे। ठीक है? Is that clear? चलिए, कई बार इस commission के केस में एक और सिचुएशन भी क्रिएट हो सकती है और वो सिचुएशन क्या है एक बार देखिएगा। मान लेते हैं एक्सपोर्टर बाहर ही बैठा है यूएस में और इंपोर्टर जो है वो इंडिया में ही बैठा है। ठीक है? लेकिन इंपोर्टर अपने काम में बहुत बिजी है, अपने लोकल वर्क में बहुत बिजी है, उसके पास इतना टाइम नहीं है कि वो बाहर जाके एक्सपोर्टर ढूंढे और माल मंगवाए। तो कई बार इंपोर्टर अपने एजेंट अपनी ही लोकेशन में ढूंढ लेते हैं। मान लीजिए इंपोर्टर बैठा है एमपी में और एजेंट अपॉइंट किया उसने महाराष्ट्र में बॉम्बे में। अब ये जो एजेंट है ये किसका एजेंट है? इंपोर्टर का। सिमिलरली मान लीजिए एक्सपोर्टर अपना एजेंट बाहर चुनता है कोस्टल एरिया के किनारे जो इसका माल बाहर दूसरी कंट्रीज में बेच सके। ये एजेंट है एक्सपोर्टर का। अगर एक्सपोर्टर का एजेंट बाहर बैठा है और इंपोर्टर का एजेंट इंडिया में बैठा है तो ऐसे एजेंट को हम बोल देते हैं कैनलाइजिंग एजेंट। वो एजेंट जिनको कैनाल की तरह रूट की तरह हम यूज कर रहे हैं फॉर द पर्पस ऑफ इंपोर्टेशन एंड एक्सपोर्टेशन। ठीक है? अब एक्सपोर्टर क्या करेगा इस एजेंट को, इस कैनलाइजिंग एजेंट को गुड्स भेजेगा कि भैया मेरे बिहाफ पे आगे बिकवा के ला। ये कैनलाइजिंग एजेंट के आपस में टाइप होंगे, ये एक कंट्री से दूसरी कंट्री में बेचेंगे एंड कैनलाइजिंग एजेंट का अपनी कंट्री में टाइप होगा, ये बायर्स को प्रोडक्ट को डिलीवर करेंगे और फिर बायर को कह दिया जाएगा भाई साहब आप एक्सपोर्टर के अकाउंट में भी पैसे डाल दो, आप एक्सपोर्टर के एजेंट के अकाउंट में भी पैसे डाल दो और आप अपने एजेंट को भी पैसे दे दो। इंपोर्टर जो एक्सपोर्टर के अकाउंट में पे करेगा वो तो हमारे लिए हो गया ट्रांजैक्शन वैल्यू इनवॉइस प्राइस, इसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं। लेकिन इंपोर्टर एक्सपोर्टर के एजेंट की पॉकेट में जो डाल रहा है वो क्या रहा हमारा सेलिंग कमीशन। भाई सेलर का एजेंट है ये, अब इस बार सेलिंग कमीशन कौन सी करेंसी में पे होगी? भाई क्योंकि एक्सपोर्टर का एजेंट बाहर बैठा है तो उसकी सेलिंग कमीशन फॉरेन करेंसी में पे होगी। वेयर एवर इंपोर्टर का एजेंट इंडिया में बैठा है तो इंपोर्टर अपने एजेंट को बाइंग कमीशन पे करेगा which shall be payable in Indian currency. इस बार रिवर्स हो गया ट्रिक, इंडियन करेंसी में इंपोर्टर अपने एजेंट को दे रहा है और फॉरेन करेंसी में इंपोर्टर बाहर एक्सपोर्टर के एजेंट को दे रहा है। जो एक्सपोर्टर के एजेंट को दे रहा है वो हमारे लिए क्या है? सर ऑब्वियसली बात है एक्सपोर्टर के एजेंट को माल दिए बिना हम पोर्ट से जनरली माल क्लियर नहीं कराते। तो ये हो गया हमारा प्री इम्पोर्टेशन एक्सपेंस, इम्पोर्ट से पहले का खर्चा। ठीक है? और वो कमीशन जो इंपोर्टर अपने एजेंट को इंडिया में पे कर रहा है उसे हम क्या नाम दे देते हैं? पोस्ट
इम्पोर्टेशन एक्सपेंस, और अगर पोस्ट इम्पोर्टेशन है तो इस खर्चे को हमेशा क्या किया जाएगा, इग्नोर। वेयर एज प्री इम्पोर्टेशन एक्सपेंस है तो इस खर्चे को हमेशा क्या कर दिया जाएगा, एड। इज दैट क्लियर? तो अब इस सिनेरियो में क्या हो गया हमारा, अगर कैनलाइजिंग एजेंट है तो मान लीजिए इम्पोर्टर का एजेंट इंडिया में ही है उसी की कंट्री में, और एक्सपोर्टर का एजेंट उसकी कंट्री में अब्रॉड में बैठा हुआ है। फिर एक्सपोर्टर के एजेंट को जो सेलिंग कमीशन पे हो रही है वो फॉरेन करेंसी में पे होगी, ना कि इंडियन रुपीस में, और इंडियन एजेंट को जो कमीशन दी जा रही है वो इंडियन रुपीस में होगी। लेकिन इंडियन एजेंट की जो कमीशन है दैट विल बी बाइंग कमीशन विच इज पोस्ट इम्पोर्ट एक्सपेंस टू बी इग्नोर्ड, वेयर एज सेलिंग कमीशन जो बाहर के बंदे को हम दे रहे हैं वो प्री इम्पोर्टेशन एक्सपेंस है, उसको हम एड कर देंगे। ठीक है बेटा? यानी कंक्लूजन क्या निकली, मैं क्या कह सकती हूँ, आई कैन कंक्लूड दिस पॉइंट कि बेटा कमीशन जो है वो दो तरह से लगती है, या तो आप उसको सेलिंग कमीशन मानो या उसको आप बाइंग कमीशन मानो। सेलिंग कमीशन किसके एजेंट को दी जाती है, सेलर के एजेंट को, यानी सेलिंग कमीशन इज पेबल टू द एजेंट ऑफ एक्सपोर्टर। और भाई साहब एक्सपोर्टर के बिहाफ के जितने भी खर्चे हैं, एक्सपोर्टर के बिहाफ के जितने भी खर्चे हैं जो एक्सपोर्टर डायरेक्टली पे कर रहा है या इम्पोर्टर एक्सपोर्टर के बिहाफ पे कर रहा है, उन सारे खर्चों को आपको असेसिबल वैल्यू कंप्यूट करते वक्त एड करना पड़ेगा। ठीक है? वेयर एज इम्पोर्टर के एजेंट को जो भी कमीशन दी जा रही है वो सर पोस्ट इम्पोर्टेशन एक्सपेंस है, उन सारे खर्चों को इग्नोर करेंगे क्योंकि वो पोर्ट पे गुड्स क्लियर होने के बाद के खर्चे हैं। अगर क्वेश्चन साइलेंट है और वो कह रहा है कि सेलिंग कमीशन पेड टू एजेंट, खाली एजेंट वर्ड लिखा है, तो मान लीजिए सर ये इंडियन रुपीस में पे होगा जब हम इंडियन इंपोर्टर का क्वेश्चन कर रहे हैं, और अगर यहां पे लिखा है एजेंट पेड टू कैनलाइजिंग एजेंट, तो कैनलाइजिंग एजेंट का मतलब मान लेते हैं जिस कंट्री में एक्सपोर्टर बैठा है वहीं पे उसका एजेंट बैठा हुआ है, यानी वहां पे हम फॉरेन करेंसी के अंदर उसको कमीशन पे करेंगे। एंड व्हाटएवर द केस में भी, दोनों सिचुएशन में जो भी पेमेंट आएगी वो हमेशा हमारे लिए प्री इंपोर्ट एक्सपेंस होगी, जिसको हम हमेशा एड कर देंगे फॉर कंप्यूटिंग असेसिबल वैल्यू। ठीक है? एवी में हमेशा ऐड कर दिया जाएगा। वेयर एज बाइंग कमीशन इंपोर्टर के एजेंट को दी जाएगी और इंपोर्टर का एजेंट अगर साइलेंट है तो हम मान के चलेंगे उसे फॉरेन करेंसी में पेमेंट गई है, और अगर फॉरेन करेंसी में पेमेंट गई है तो उसको आप इग्नोर कर देना। लेकिन अगर वो कह रहा है कैनलाइजिंग एजेंट को कमीशन गई है, तो सर कैनलाइजिंग एजेंट हम मान के चलेंगे इंडिया में बैठा हुआ है, यानी इस बार उसको कमीशन इंडियन रुपीस में पे हुई है। तो वट एवर द केस में भी आप इसको पोस्ट इम्पोर्टेशन खर्चा मानते हुए हमेशा क्या करेंगे, इग्नोर कर देंगे। इज दैट क्लियर बेटा? कमीशन के साथ, ठीक है, कमीशन हम हमेशा एजेंट को पे करते हैं, और फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन बचाने के लिए जनरली एक्सपोर्टर इंपोर्टर को कह देता है कि उसके एजेंट को कमीशन दे दीजिए जो इंडिया में लोकेटेड है। इसलिए जनरली इंपोर्टर एक्सपोर्टर के एजेंट को जो इंडिया में लोकेटेड है उसको इंडियन रुपीज में कमीशन पे करता है, विच इज अ प्री इम्पोर्टेशन एक्सपेंस टू बी एडेड। और अगर एक्सपोर्टर का एजेंट बाहर ही बैठा हुआ है तो वील कॉल हिम एज एन कैनलाइजिंग एजेंट, जिसको कमीशन फॉरेन करेंसी में जाएगी, फिर हम उस फॉरेन करेंसी की प्री इम्पोर्ट खर्चे को एड कर देंगे। हाउएवर यही केस बाइंग कमीशन के साथ होता तो खाली एजेंट के केस में हम मानते हैं कि इम्पोर्टर ने अपना एजेंट बाहर रखा है, टू होम बाइंग कमीशन शैल बी पेबल इन फॉरेन करेंसी टू बी इग्नोर्ड विच इज अ प्री पोस्ट इम्पोर्टेशन एक्सपेंस, पोस्ट इम्पोर्टेशन एक्सपेंस बिकॉज इम्पोर्टर इज पेइंग इट आफ्टर क्लियरिंग द गुड्स फ्रॉम इंडियन पोर्ट। एंड अगर कैनलाइजिंग एजेंट को दे रहे हैं तो सर ऑब्वियस ही बात है कैनलाइजिंग एजेंट को ये कमीशन इन इंडिया
इंडियन रुपीस में जाएगी, फिर उस सिचुएशन में हम उस रुपीस पेमेंट के अंदर इग्नोर कर दी जाएगी बीइंग अ पोस्ट इंपोर्टेशन एक्सपेंस। क्लियर है बेटा कमीशन को लेके बात? आगे नेक्स्ट वो खर्चे की बात करता है पैकिंग की। पैकिंग के लिए लॉ मेकर कहता है सर दो तरह से पैकिंग आती है बाहर से इन जनरल। मान लीजिए यूएसए से इंडिया में फ्रूट्स डिलीवर किए जा रहे हैं, फ्रूट्स की इंपोर्टेशन हो रही है। अब फ्रूट्स को जनरली सेलर छोटे छोटे 5-5 किलो के डिब्बे में पैक करके देता है, लेकिन जर्नी है 1.5-2 महीने की जिसमें वो फ्रूट्स सड़ सकते हैं, खराब हो सकते हैं। तो उन्होंने क्या किया, एक्सपोर्टर ने उन फ्रूट्स को बड़े बड़े कंटेनर्स में रख दिया और ये बड़े बड़े कंटेनर्स डीप फ्रिज में थे इन दिस शिप, ठीक है, और उनके साथ छोटे छोटे डिब्बे दे दिए और इंपोर्टर को कहा कि जब आपके पास बड़े बड़े कंटेनर्स आए तो उनमें से आप फ्रूट्स को निकाल लीजिएगा, उनकी छोटी छोटी 1-1, 2-2, 5-5 किलो की पैकिंग बनाइएगा और फिर मार्केट में आगे बेचिएगा, ठीक है। अब भाई डीप फ्रीजर ज्यादा बड़ा नहीं था तो हम डिब्बों में पैकिंग नहीं कर सकते थे क्योंकि वो डिब्बे अननेसेसरी जगह लेते, तो हमने क्या किया उसको बड़े कंटेनर में फिट कर दिया। अब लॉ मेकर ने कहा सर इसमें ना दो तरीके की पैकिंग पोर्ट पर उतरी, एक तो थी नॉर्मल पैकिंग जिसके अंदर गुड्स को फ्रूट्स को रीपैक करके मार्केट में डिलीवर करना था, मार्केट में बेचना था, और एक थे बड़े बड़े कंटेनर्स विच आर रिटर्नेबल, इन कंटेनर्स को लौटाना था, वापस करना था इंपोर्टर को एक्सपोर्टर को, यानी इंपोर्टर यानी बायर जब गुड्स को यूज कर लेगा छोटी पैकिंग में ले जाएगा तो फिर बड़े कंटेनर को एक्सपोर्टर को रिटर्न कर देगा विद इन अ स्पेसिफाइड टाइम पीरियड। अब लॉ मेकर ने कहा सर ये जो नॉर्मल पैकिंग है ना ये तो गुड्स के साथ डिलीवर हो गई, ये तो गुड्स के साथ डिलीवर हो गई या हो सकती है, देयरफॉर इनकी तो जितनी भी कॉस्ट है उसको तो ऐड कर दो कस्टम ड्यूटी निकालते वक्त, सर इस पे तो हम कस्टम ड्यूटी चार्ज कर देंगे, लेकिन ये जो रिटर्नेबल पैकिंग है सर ये पैकिंग तो बायर सेलर को वापस कर देगा, ये पैकिंग तो इंडिया में कंज्यूम होने नहीं वाली है, इंडिया के पार्ट ऑफ मास ऑफ इंडियन गुड्स का हिस्सा नहीं बनने वाली है, तो सर क्योंकि ये पैकिंग हमें एक्सपोर्टर को वापस करनी है दे डज नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ मास ऑफ इंडियन गुड्स, देयरफॉर सर इन गुड्स की कॉस्ट को हमें असेसिबल वैल्यू में नहीं जोड़ना चाहिए, रादर हम इसको इग्नोर कर देंगे। लेकिन आप कह रहे हो कि पैकिंग रिटर्नेबल है, अब हमें ये चेक भी करना है कि वाकई ही वो पैकिंग आपने रिटर्न की या नहीं, इसके लिए हम आपको कुछ कंडीशन देंगे कि आपको इस पैकिंग को रिटर्न करना पड़ेगा टू बी रिटर्न्ड विद इन 6 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ देयर इम्पोर्टेशन। सर जिस दिन आपने इंडिया में इस पैकिंग को उतारा इंपोर्ट किया उसके 6 महीने के अंदर अंदर आपको इस पैकिंग को वापस भेजना पड़ेगा, तब हम आपके इस अमाउंट को इस कॉस्ट को असेसिबल वैल्यू में नहीं जोड़ेंगे, यानी इस पर हम कोई कस्टम ड्यूटी चार्ज नहीं करेंगे। लेकिन ध्यान से सुनिएगा, कभी भी सरकार आपका कोई टैक्स माफ करती है सब्जेक्ट टू फुलफिलमेंट ऑफ एनी फ्यूचर कंडीशन, कोई फ्यूचर में कंडीशन माफ होने पर, पूरी कंडीशन होने पर आपको टैक्स की माफी मिल रही है
तो सरकार ये कैसे चेक करेगी कि आपने वो कंडीशन पूरी की या नहीं? भाई साहब वो कह रही है कि 6 महीने के अंदर अंदर रिटर्न कर दिया तो ही हम टैक्स माफ करेंगे, नहीं तो नहीं। अब एक फ्यूचर की सब्सिक्वेंट कंडीशन विच इज अनसर्टेन, वो पूरी हो रही है या नहीं आपको पता नहीं, लेकिन आप सरकार ने आपका टैक्स माफ कर दिया तो सरकार कह रही है रुको। तो भाई साहब फ्यूचर की एक कंडीशन जब पूरी होगी तभी आपका टैक्स माफ होगा, और हमें ये पता नहीं कि फ्यूचर में आप ये कंडीशन पूरी कर रहे हैं या नहीं। यानी हम आपके रिटर्नेबल पैकिंग को कॉस्ट में कब नहीं जोड़ रहे, असेसिबल वैल्यू में ना जोड़ के ड्यूटी कब नहीं लगा रहे, जब वो पैकिंग आप 6 महीने में लौटा दोगे। अब ऑफिसर कह रहा है हमें क्या पता आप 6 महीने में लौटा रहे हो या नहीं। तो भाई साहब सब्जेक्ट टू फ्यूचर कंडीशन योर ड्यूटी शैल बी एग्जेम्प्टेड प्रोवाइडेड यू मस्ट हैव फाइल्ड अ सिक्योरिटी बॉन्ड। मतलब समझिएगा वो क्या कह रहा है। वो कह रहा है सर मान लीजिए रिटर्नेबल कॉस्ट का प्राइस है 10 लाख, नॉर्मल पैकिंग है 20 लाख, और जो गुड्स आए गुड्स का प्राइस है 80 लाख। अब हम क्या करेंगे पोर्ट पर, 80 और 20 इनको तो जोड़ देंगे। सर यहाँ पे कस्टम ड्यूटी निकलेगी, कस्टम ड्यूटी के लिए हम असेसिबल वैल्यू में क्या क्या जोड़ देंगे, एक तो 80 लाख के गुड्स और 20 लाख की नॉर्मल पैकिंग, और बाकी फ्रेट इंश्योरेंस जो लग रहा है वो तो लगेगा ही लगेगा। इतने के बराबर तो आप ड्यूटी पे कर देना, ठीक है। एंड ये जो रिटर्नेबल पैकिंग है इस पे जितनी ड्यूटी बनती है, सर पैकिंग की कॉस्ट कितनी है 10 लाख, अब 10 लाख पे मान लीजिए 40% की ड्यूटी लगती है, तो सर 4 लाख के अमाउंट के बराबर आप ड्यूटी मत देना, बट इतने अमाउंट के बराबर आपको एक सिक्योरिटी बॉन्ड हमारे पास जमा कराना पड़ेगा, सो दैट आपने भाई 100 लाख पे तो जितनी ड्यूटी बनती थी दे दी, लेकिन ये जो 4 लाख की ड्यूटी रिटर्नेबल पैकिंग पे बनती है इसका एक सिक्योरिटी बॉन्ड दे दीजिए बैंक में FD की फॉर्म में। यानी आप बैंक में 4 लाख रुपए जमा करा दीजिए सब्जेक्ट टू अदर कंडीशंस, और उसका सर्टिफिकेट हमारे पास दे दीजिएगा सो दैट आप ये पैसा निकाल ना सकें। और हमारे पास ये सर्टिफिकेट 6 महीने तक रखा रहेगा। 6 महीने में अगर आप आ गए अपना माल लौटाने के लिए, आपने विद इन 6 मंथ्स अपने माल को लौटा दिया, तो ये सिक्योरिटी आप पूरी की पूरी वापस ले जाइएगा, हमें आपसे 1 रुपया नहीं चाहिए। लेकिन अगर आप 6 महीने के अंदर नहीं आए लौट के, आप जाओगे तो इसी पोर्ट से, आप 6 महीने में नहीं आए इस पैकिंग को लौटाने के लिए, तो हम मान लेंगे इस पैकिंग को आप अपने पास रखने वाले हो, कंज्यूम करने वाले हो, फिर इस पे ड्यूटी लगनी चाहिए थी जो हमने आपसे पहले चार्ज नहीं की, अब हम वो ड्यूटी चार्ज कर लेंगे बाय ब्रेकिंग द बॉन्ड विच यू हैव फाइल्ड विद द बैंक। जो सिक्योरिटी बॉन्ड, जो इंडेमनिटी बॉन्ड आपने जमा करवाया था उसको तोड़ के हम अपना पैसा रिकवर कर लेंगे अगर कल को आप लौट के नहीं आते हो। और अगर आप टाइमली लौट के आ जाते हो, अपनी गलती मानते हो, पूरा टैक्स जमा कराते हो, पूरी ड्यूटी पे करते हो, तो आप अपना ये सिक्योरिटी बॉन्ड वापस ले जाना। यानी आज से ध्यान रखेंगे पूरे IDT में व्हेनेवर टैक्स और ड्यूटी इज एग्जेम्प्टेड सब्जेक्ट टू फुलफिलमेंट ऑफ एनी फ्यूचर कंडीशन, फ्यूचर में किसी कंडीशन के पूरे होने पर टैक्स या ड्यूटी माफ हो रहा है, तो उस सिचुएशन में हम आपको पूरी की पूरी छूट दे देंगे बशर्ते आपसे उतने अमाउंट के बराबर एक सिक्योरिटी डिपॉजिट रखवा लिया जाएगा, ठीक है। और अगर बेटा एग्जाम में क्वेश्चन साइलेंट है, वो कह रहा है खाली रिटर्नेबल पैकिंग, उसने एक्सपेंस में लिख दिया रिटर्नेबल पैकिंग 2 लाख रुपए, लेकिन वो ये नहीं बता रहा कि वो पैकिंग रिटर्न हो रही है या नहीं, तो आप हमेशा मान के चलिएगा कि इम्पोर्टर ने उस पैकिंग को 6 महीने में रिटर्न कर ही दिया होगा, क्योंकि उसे भी पता है कि सर ये पैकिंग रिटर्न तो हमें करनी ही है, आज नहीं तो कल, 6 महीने के अंदर नहीं तो 6 महीने के बाद, लेकिन अगर मैंने 6 महीने के बाद किया तो मुझे उस पर टैक्स देना पड़ जाएगा विच इज़ नॉट अ फिजिबल डिसीजन। देयरफॉर वो हमेशा कोशिश करेगा इस पैकिंग को 6 महीने में लौटाने की, ठीक है बेटा, क्लियर एकदम। चलिए तो हमने रिटर्नेबल और पैकिंग के लिए हमने क्या क्रक्स बनाया, हमने कहा बेटा जब भी पैकिंग वर्ड आ जाए तो 2 तरीके की पैकिंग होगी, रिटर्नेबल एंड नॉर्मल पैकिंग। अगर रिटर्नेबल पैकिंग है तो आपको हमेशा क्या करना है, उसको इग्नोर और नॉर्मल को ऐड, बशर्ते हम कब मानेंगे वो इग्नोर हो रहा है, जब वो विद इन 6 मंथ्स रिटर्न हो जाता है। अगर वो रिटर्न नहीं होता तो हम उसका अमाउंट को टैक्सेबल कर लेते हैं, असेसिबल वैल्यू में जोड़ देते हैं, और वो कैसे जोड़ते हैं, बाय फाइलिंग अ सिक्योरिटी बॉन्ड इक्विवेलेंट टू अमाउंट ऑफ ड्यूटी पेबल ऑन सच रिटर्नेबल पैकिंग।
उस रिटर्नेबल पैकिंग की कॉस्ट पे जितनी ड्यूटी लगती, अगर हम उसको असेसेबल वैल्यू में जोड़ते तो जितनी ड्यूटी लगती उतने के बराबर हम आपसे सिक्योरिटी बॉन्ड भरवा लेंगे, जमा करवा लेंगे। आपने 6 महीने में रिटर्न कर दिया तो आपका पैसा वापस, नहीं रिटर्न किया तो उसको तोड़ के हम अपनी ड्यूटी रिकवर कर लेंगे। इज दैट क्लियर बेटा? चलिए, तो आपको ये थर्ड एक्सपेंस भी क्लियर हो गया, सेकंड एक्सपेंस भी क्लियर हो गया। हमने दो एक्सपेंसेस अभी तक देखे। पहला हमने देखा कमीशन, जिसमें हम सेलिंग कमीशन पे फोकस करेंगे, उसको असेसेबल वैल्यू में जोड़ेंगे। दूसरा खर्चा हमने देखा पैकिंग, जिसमें हम रिटर्नेबल पैकिंग को इग्नोर करेंगे और नॉर्मल पैकिंग को ऐड करेंगे। अब हम तीसरा खर्चा यहाँ पे कंसिडर करते हैं, जिसमें हम देखते हैं रॉयल्टी। अब ये रॉयल्टी क्या होती है समझिएगा, जरा बहुत दिमाग में अच्छे से बैठाइएगा। कई बार कुछ लोग अपनी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्रिएट करते हैं। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है? वो प्रॉपर्टी जो हमारे इंटेलेक्ट, हमारे ब्रेन से जनरेट हुई है। जैसे मैं कहती हूं कि बेटा मैंने अपने इंटेलेक्ट, अपने ब्रेन से दिमाग लगा के एक जीएसटी की इनडायरेक्ट टैक्स की किताब लिखी है, कोई बुक लिखी है, कोई लिटरेचर लिखा है। अब मुझे ये डर है कि मेरा लिटरेचर कोई कॉपी ना कर ले, मेरी किताब को कोई अपने नाम से मार्केट में ना बेचे। देयरफोर मैं उस किताब के मैटर को सरकार के पास जाके रजिस्टर करा देती हूँ, ठीक है। या सिमिलरली कोई आर्टिस्टिक वर्क तैयार करता है, कोई मूवी बनाता है, करण जौहर, एकता कपूर कोई सीरियल बनाती है, कोई एड बनाती है, या कोई म्यूजिशियन म्यूजिक पीस तैयार करता है, तो सर हमारा ये म्यूजिक पीस, ये आर्ट वर्क या ये लिटरेचर कोई कॉपी ना कर ले, इसके लिए हम इसको एक्सक्लूसिवली रजिस्टर्ड करा देते हैं इन द नेम ऑफ कॉपीराइट। इन द नेम ऑफ कॉपीराइट। कॉपीराइट का मतलब क्या होता है? सर कॉपीराइट इज एन एक्सक्लूसिव राइट वेयर इन, अगर मैं अपनी किताब का कॉपीराइट ले रही हूं तो ये अधिकार रजिस्टर्ड हो गया। अब ये किताब सिर्फ और सिर्फ मेरे नाम से मेरे मैटर में छपेगी, कोई और इस मैटर को अपने नाम से नहीं छाप सकता। सिमिलरली मैं कहूंगी बेटा कोई कंपनी फॉर्मूला बनाती है, मान लीजिए रेनबैक्सी कंपनी है, उसने सालों साल रिसर्च करके एक दवाई, एक मेडिसिन तैयार की और वो दवाई का फॉर्मूला उसे दवाई के पैकेट में छापना पड़ता है, लेकिन उसे ये डर है कि उसका ये फॉर्मूला कोई दूसरी कॉम्पिटिटिव कंपनी ना चोरी कर ले। देयरफोर वो उसको उस फॉर्मूले को रजिस्टर करा लेती है कि भाई साहब अब ये फॉर्मूला हमारा है, हमारे अलावा इसको कोई और यूज नहीं कर सकता। और जैसे ही वो उस फॉर्मूले को रजिस्टर कराती है, इसको हम कहते हैं पेटेंट। क्या बुलाते हैं हम इसे? पेटेंट। सिमिलरली सर कई बार लोग बहुत लाखों करोड़ों खर्च करके अपना नाम बनाते हैं, अपनी गुडविल क्रिएट करते हैं, अपना ब्रांड नेम क्रिएट करते हैं। अब हमें ये डर है कि हमारा नाम, हमारी गुडविल कोई और ना चुरा ले। भाई हमने सालों साल मेहनत की अपना नाम क्रिएट करने में, हमने लाखों करोड़ों खर्च किए अपना एडवर्टीजमेंट, अपनी पब्लिसिटी करने में। अब हम नहीं चाहते कि हमारा नाम कोई और यूज करे, तो इसको हम रजिस्टर करा लेते हैं इन द नेम ऑफ ट्रेडमार्क। इन द नेम ऑफ ट्रेडमार्क। और ये भी जो हम रजिस्टर कराते हैं अधिकारों को, ये सारे अधिकारों को हम एक्सक्लूसिव राइट मान लेते हैं। एक्सक्लूसिव राइट का मतलब क्या होता है? ये अधिकार सिर्फ और सिर्फ हमारे हैं जिन्होंने बनाए। अब मान लीजिए मैंने किताब लिखी, मैंने किताब बनाई, तो इसका अधिकार सिर्फ मेरा है, कोई और इस किताब को ना तो छाप सकता है ना बेच सकता है जब तक मैं ना बोलूं।
ये एक्सक्लूसिव राइट है, मेरा कॉपीराइट है. सिमिलरली किसी ने कोई मूवी बनाई तो उसी का अधिकार है ये मूवी को रिलीज करने का, डिस्प्ले करना का अलग अलग मीडिया चैनल्स पे. सिमिलरली किसी ने दवाई का फॉर्मूला बनाया तो इसका पेटेंट सिर्फ उसका है, कोई और ये दवाई का फॉर्मूला यूज नहीं कर सकता. एंड वाइस वर्सा, लास्टली वो कह रहा है अगर किसी ने कोई नाम, कोई गुडविल क्रिएट की तो उस सिचुएशन में सिर्फ और सिर्फ वही बंदा उस ट्रेडमार्क को यूज कर सकता है, कोई और नहीं यूज कर सकता. अब ये जो एक्सक्लूसिव राइट है विच इज रजिस्टर्ड विद गवर्नमेंट, इस एक्सक्लूसिव राइट को हम दो कैटेगरी में बांट देते हैं. यानी ये तो वो जनरली यूज करेगा जिसने इसे बनाया. भाई मैंने किताब लिखी तो अब मैं किताब बना के कितनी भी बार छापूं, कितने भी लोगों को बेचूं, या किसी ने फॉर्मूला बनाया तो वो फॉर्मूले से यूज करके कितनी भी दवाइयां बनाए, कोई भी कोल्ड ड्रिंक बनाए, कोई भी सॉफ्टवेयर कोई भी फूड प्रोडक्ट बनाए. मैंने ट्रेडमार्क ले लिया, सर अब ट्रेडमार्क ले लिया तो अब ये मेरा अधिकार है, मैं अपने नाम को कहीं पे भी यूज करूँ, किसी भी बिजनेस में अप्लाई करूँ, किसी भी होर्डिंग पे डिस्प्ले करूँ, इसमें कोई रोक नहीं सकता. लेकिन ये अधिकार कई बार ट्रांसफर भी कर दिया जाता है, ट्रांसफर ऑफ राइट. और ये ट्रांसफर दो तरह से हो सकता है, परमानेंट भी हो सकता है और टेम्पररी भी हो सकता है. टेम्प्ररी मतलब सर मेरे पास मेरी बातचीत चल रही है मान लीजिए टेक्समैन पब्लिकेशन हाउस से और वो कहती है कि आप अपनी किताब दीजिए, हम आपकी किताब आपके नाम से इंडिया के कोने कोने में बेचेंगे. तो मैं कहती हूँ भाई साहब मैं तो बहुत छोटी ऑथर हूँ और आप इतने बड़े पब्लिकेशन हाउस हो, कल को आप अगर मेरे को डिसीव करोगे, डोमिनेट करोगे, मुझे पता ही नहीं लगने दोगे कि मेरी कितनी किताबें बिक रही हैं, तो मेरा तो बहुत मेजर लॉस होगा. तो सर मेरे और आपके बीच में बस एक साल का कॉन्ट्रैक्ट होगा, पहले आप एक साल तक मेरी किताबें बेचिए, मुझे उसका किराया दीजिए. अगर मुझे लगा कि आपने मेरे साथ कोई डोमिनेशन, कोई डिसीवमेंट, कोई धोखाधड़ी नहीं की है, मुझे अननेसेसरीली डिसीव नहीं किया है और मेरे को प्रॉपरली पेमेंट टाइम टू टाइम करते रहेंगे तो ये अधिकार मैं फिर से एक साल के लिए एक्सटेंड कर दूंगी. इन अधिकारों के ट्रांसफर को हम टेक्निकली बुलाते हैं असाइनमेंट ऑफ राइट. अधिकार को असाइन करना, ट्रांसफर करना. और जब ये अधिकार असाइन होते हैं तो इसके बदले हमें कुछ पेमेंट मिलती है, जिस पेमेंट को, जिस कंसिडरेशन को हम नाम देते हैं रॉयल्टी. तो रॉयल्टी क्या हो गई बेटा, इट इज द कंसिडरेशन मेड फॉर द ट्रांसफर ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी बाय ट्रांसफरर टू ट्रांसफरी by self generator, the person who generated it to the other person. ठीक है, मैंने अगर copyright दिया अपनी किताब का छापने का to Textman Publication, तो उसके बदले Textman Publication से जो मुझे payment आ रही है that will be known as royalty. और ये royalty दो category में हम pay कर सकते हैं. This royalty can be paid either for resale of product or for रिप्रोडक्शन ऑफ प्रोडक्ट. ठीक है, अब ये रीसेल का मतलब क्या होता है जरा समझिएगा. मान लीजिए मेरे यहां एक इंपोर्टर है पेंगुइन इंडिया, वर्ल्ड रिनाउंड पब्लिकेशन हाउस, और यूके की एक ऑथर हैं जेके रॉलिंग, अ वर्ल्ड रिनाउंड ऑथर जिनकी एक बुक बहुत पॉपुलर है मार्केट में, हैरी पॉटर. अब जेके रॉलिंग पेंगुइन इंडिया को अपनी बुक्स पब्लिश करके देती हैं, उनको बिकवाने का अधिकार देती हैं. और मान लीजिए एक बुक की कॉस्ट है 1200 रुपए. अब पेंगुइन इंडिया जेके रॉलिंग को कहता है कि मैम ये जो जितनी भी किताबें हैं आप प्लीज इन्हें बेचने का एक्सक्लूसिव राइट सिर्फ और सिर्फ मुझे दीजिए,
मेरे अलावा ये किताबें कोई और बेच ना सके। तो जो जेके रॉलिंग ऑथर कहते हैं कि उससे आपको क्या फायदा, तो पेंगुइन इंडिया कहती है मैम अगर आप मुझे राइट दे देंगे फॉर रीसेल ऑफ योर बुक्स इन इंडिया, आपकी किताब इंडिया में सिर्फ और सिर्फ मैं ही बेचूं, मेरे अलावा कोई और ना बेचे, अगर आप ऐसा अधिकार देते हैं तो सर मैं मोनोपोली में होऊंगा, मैम मैं मोनोपोली में होऊंगा, और मैं मोनोपोली में होऊंगा तो ऑब्वियस सी बात है मेरे को प्राइस तय करने का अधिकार मिलेगा, मैं सिंगल सेलर होऊंगा तो मैं अपना प्रॉफिट मार्जिन थोड़ा सा बढ़ा के भी बेच सकता हूँ, मेरा कोई कॉम्पिटिशन नहीं होगा, और जब मैं ज़्यादा दामों पर बेचूंगा तो उससे फ़ायदा होगा हमें। जेके रॉलिंग कहती है फायदा तो आपको होगा, मुझे क्या फायदा होगा। तो पेंगुइन इंडिया कहता है मैम क्योंकि आपने एक्सक्लूसिव राइट मुझे दे दिया अपनी किताबों को बेचने का, तो मेरा प्रॉफिट मार्जिन ऑब्वियसली बढ़ेगा और उसके चलते उस प्रॉफिट का आधा हिस्सा मैं आपको दूंगा इन द नेम ऑफ रॉयल्टी। कहता है मैम बुक्स तो मैंने 1200 की खरीदी, मैं आपको रॉयल्टी दूंगा फॉर रीसेल, और ये रॉयल्टी मैं दूंगा लेट से 500 रुपए की, ठीक है। तो अब लॉ मेकर कहता है सर ये जो 500 रुपए की रॉयल्टी मिली ना उन किताबों में जो यूएसए से इंडिया आ रही थी, सॉरी यूके से इंडिया आ रही थी, तो सर ये किताबों की पेमेंट गई, दिस पेमेंट इज मेड अगेंस्ट टेंजिबल बुक्स, उन किताबों के बदले पेमेंट आ रही है जो टेंजिबल है, जो फिजिकली टच एंड सीन हो सकती है, ठीक है। आगे सेकंड सिनेरियो, दूसरी सिचुएशन बनाते हैं। पेंगुइन इंडिया ने कुछ टाइम बाद जेके रॉलिंग को कहा कि मैम आपकी किताबें इंडिया में बहुत महंगी पड़ रही हैं, आपके यहाँ यूके में लेबर बहुत महंगी, यूके से यहाँ तक ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा आते आते बढ़ जाता है, फिर इंडिया में उतरते उतरते इस पे कई तरीके की कस्टम ड्यूटी लग जाती है, एंड अल्टीमेटली मार्केट में आपकी किताब बहुत महंगी बिकती है, जिसके चलते इसकी डिमांड बहुत घट गई है, इसका प्राइस इतना ज्यादा है कि डिमांड बहुत घटी हुई है, वो भी ऐसी किताब की जिसकी मूवी बनी हुई है और मूवी पायरेटेड सीडीज में 20-20 रुपए में आपको बहुत सारी मार्केट्स में पालिका बाजार एंड अदर लोकल मार्केट्स के अंदर मिल जाती है। तो जो कस्टमर है वो उन मूवीज को पायरेटेड सीडीज को देखना ज्यादा प्रेफर करता है एज कंपेयर टू द बुक्स प्रिंटेड बाय यू। तो अब जेके रॉलिंग कहती है क्या किया जाए, तो यहाँ पे पेंगुइन इंडिया कहता है जेके रॉलिंग को कि मैम अब एक हमारे पास ऑप्शन है, आप मुझे अधिकार दे दीजिए पेपर पे कि आपके नाम से किताब मैं इंडिया में छाप के आगे बेचूं। जब आपके नाम की किताब मैं इंडिया में छापूंगा तो ऑटोमेटिकली हमारा खर्चा कम हो जाएगा क्योंकि इंडिया में प्रिंटिंग कॉस्ट लेबर कॉस्ट बहुत कम है एज कंपेयर टू यूके, प्लस यूके से इंडिया तक का आने का ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा भी नहीं रहा, प्लस बाहर से कोई भी गुड्स इंपोर्ट नहीं हो रहे तो कस्टम ड्यूटी भी नहीं लग रही, तो अल्टीमेटली कॉस्ट इतनी घट जाएगी कि ऑटोमेटिकली प्राइस कम होते ही डिमांड बढ़ जाएगी, और डिमांड बढ़ी तो आपको मेरे को दोनों को फायदा है। अब जेके रॉलिंग कहती है पेंगुइन इंडिया को कि सर मुझे क्या फायदा, तो पेंगुइन इंडिया कहती है मैम हर किताब के बनने पर छपने पर मैं आपको रॉयल्टी दूंगी फॉर रिप्रोडक्शन, रॉयल्टी फॉर राइट ऑफ रिप्रोडक्शन, आप किताबों में इंडिया बनाने का इंडिया छापने का अधिकार जैसे ही मुझे दोगे तो मैं हर किताब के छपने पर आपको 800 रुपए दूंगी, और आपको भरोसा ना हो तो आप अपने किसी बंदे को भेज दीजिएगा जो यहाँ पे डेली बेसिस पे स्टॉक टेकिंग करता रहेगा, गिनता रहेगा कि आपके कितनी किताबें बिकी, जितनी किताबें बिकेंगी हम हर किताब के बिकने पर 800 रुपए देंगे, आपको बड़ा हुआ अमाउंट देंगे, आपको ज़्यादा कुछ करना भी नहीं है, आपको सिर्फ एक अधिकार देना है कि पेपर पे मैं ये किताबें आपके नाम से इंडिया में छाप सकूं। मैडम रॉलिंग ने कहा सर है तो फायदे का सौदा लेकिन मुझे एक खतरा भी है, आप कह रहे हो आपके लेबर की कॉस्ट कम है, आपके यहाँ प्रिंटिंग कॉस्ट कम है, तो कल को सस्ते किताबें बनके आप मेरे यहाँ ही कम्पीट करने ना आ जाओ, मेरा ही कंपटीशन ना बन जाओ, यूके में ना बेचने लगो, तो मैं आपको ये अधिकार दे रही हूँ कि आप किताबें छाप सकते हो लेकिन सिर्फ और सिर्फ अपनी इंडियन टेरिटरी के अंदर, और वहीं पर इन किताबों को बेचोगे। यानी जेके रॉलिंग ने आपको अधिकार दे दिया इस पेमेंट के बदले,
आपको क्या मिला, अधिकार दे दिया फॉर रिप्रोडक्शन ऑफ गुड्स इन इंडिया। अब आप बुक्स को, गुड्स को इंडिया में बनाना, इंडिया में प्रोड्यूस करना, बाहर से आपको कुछ भी लाने की जरूरत नहीं है। यानी इस पेमेंट में, इस पेमेंट में ये जो पेमेंट हुई है, इसके बदले बाहर से कोई टेंजिबल गुड्स नहीं आ रहे। यहां पे आपको सिर्फ एक अधिकार आ रहा है, पेमेंट इज मेड। क्या इसके बदले कोई टेंजिबल गुड्स आ रहे हैं? ना, इसके बदले कोई टेंजिबल बुक्स नहीं आ रही। रैदर इसके बदले क्या आ रहा है, एक इनटेंजिबल अधिकार आ रहा है। और क्योंकि एक इनटेंजिबल अधिकार आ रहा है, तो सर ये सर्विस बन जाएगा, ना कि गुड्स। और जब भी सर्विस इंपोर्ट होती है, तो सर हम कस्टम में कवर नहीं करते, फिर उसको हम जीएसटी में ले जाके देखेंगे, वहां पे उसको चार्ज किया जाएगा। यानी जब भी रॉयल्टी फॉर राइट ऑफ रिप्रोडक्शन आएगी, जब भी आप रॉयल्टी पे करेंगे फॉर गिविंग राइट टू रिप्रोड्यूस समथिंग इन इंडिया, देन दैट शैल नॉट बी कवर्ड अंडर कस्टम ड्यूटी, रेदर दैट शैल बी चार्जेबल अंडर जीएसटी। ठीक है, यानी आपके क्वेश्चन में दो तरह से रॉयल्टी आ सकती है, आइदर रॉयल्टी फॉर रीसेल और रॉयल्टी फॉर राइट ऑफ रिप्रोडक्शन। अगर रॉयल्टी फॉर रीसेल है, तो रीसेल का मतलब क्या हो रहा है, सेल दोबारा किस चीज की हो रही है? सर सेल हमेशा गुड्स की होती है, सर्विसेज की नहीं होती। तो री मतलब दोबारा, दोबारा सेल किसकी हो रही है, जिसकी पहली बार सेल हो चुकी है और कस्टम में पड़ रहे हैं, यानी इंपोर्ट होके आया, यानी यहाँ पे आपको उसके बदले कुछ टेंजिबल गुड्स मिले हैं। देयरफोर आपको उसे क्या करना है, हमेशा एड कर देना है व्हाइल कंप्यूटिंग कस्टम ड्यूटी। वेयर एज जब भी आप वहां पे रॉयल्टी फॉर गिविंग राइट ऑफ रिप्रोडक्शन कर रहे हो, तो सर यहाँ पे आपके पास कोई टेंजिबल गुड्स नहीं आ रहे, रेदर इनटेंजिबल राइट आ रहा है। और अगर इनटेंजिबल राइट आ रहा है, तो आपको कस्टम के लिए इसको इग्नोर करना है, और क्योंकि राइट आया तो इसको जीएसटी के लिए आपको एड करना होगा, जिसको हम जीएसटी में जाके रेफर करेंगे। यानी अल्टीमेटली क्या होगा, जब ये सर्विस होगी, क्योंकि इंटेंजिबल नेचर की है, तो दैट शैल नॉट बी कवर्ड अंडर कस्टम, रादर शैल बी कवर्ड अंडर जीएसटी। और जब जीएसटी में कवर होगी, तो अल्टीमेटली इसको कस्टम में इग्नोर करेंगे, जीएसटी में ऐड करेंगे। वेयर एज रॉयल्टी फॉर रीसेल शैल बी एडेड इन कस्टम ड्यूटी। ठीक है बेटा, सो तीन खर्चे हो गए, कौन कौन से? पहला कमीशन, जिसमें हम सेलिंग कमीशन लेंगे, बाइंग कमीशन नहीं। दूसरा पैकिंग, जिसमें हम नॉर्मल पैकिंग लेंगे, रिटर्नेबल पैकिंग नहीं। तीसरा रॉयल्टी, जिसमें हम रॉयल्टी फॉर रीसेल ऑफ गुड्स इन इंडिया लेंगे, ना कि रॉयल्टी फॉर रिप्रोडक्शन। ठीक है बेटा, चलिए चलिए फोर्थ एक्सपेंस हम देखते हैं। वो बात कर रहा है डिसमेंटलिंग एंड इंस्टॉलेशन की। जैसा कि नाम से ही आपको क्लियर होगा बेटा, डिसमेंटलिंग का मतलब क्या होता है? डिसमेंटलिंग का मतलब होता है टू अनअसेंबल, किसी को टुकड़ों टुकड़ों में अलग करना। और इंस्टॉलेशन का मतलब क्या होता है? टू असेंबल, कोई टुकड़े हुई चीज को जोड़ देना। जैसे मान लीजिए इंडिया में हमने पहली बार जापान से मेट्रो ट्रेन इंपोर्ट करवाई, तो सोचिए जापानीज मैन्युफैक्चरर ने मेट्रो ट्रेन बनाई होगी, उसको उन्होंने चला के देखा होगा, ट्रायल रन किया होगा, जब वो सेटिस्फाई रहे होंगे तब उन्होंने परमिट कर दिया होगा कि हाँ भाई इसको आप एक्सपोर्ट कर दो इंडिया को। तो अब मेट्रो ट्रेन जिसके कंपार्टमेंट्स हैं, कनेक्टर्स है, ट्रैकर है, जिसके ऊपर चल रही है, वो एज इट इज उठ के तो इंडिया में आ नहीं सकती। भाई इतना बड़ा तो कोई शिप होगा नहीं जिसमें वो एज इट इज उठ के आ जाए, और इतना बड़ा शिप हुआ भी तो भी सर प्रैक्टिकली इसको कैरी करना बहुत मुश्किल है। तो हम हमेशा क्या करते होंगे बड़े प्लांट एंड मशीनरीज के केस में, जहाँ पे गुड्स ह्यूज अमाउंट में, ह्यूज साइज में आ रहे हैं, वहां पे हम हमेशा इन ह्यूज प्लांट एंड मशीनरीज को पहले डिसमेंटल करते होंगे,
उनको पहले अनअसेंबल करते होंगे, टुकड़ों टुकड़ों में करते होंगे, इनके कनेक्टर्स हटा देंगे, ट्रैकर्स हटा देंगे, एंड देन टुकड़ों टुकड़ों में चीज़ों को ले जाके यहाँ से यहाँ तक साइड पे कैरी किया जाएगा। ये जो अनअसेंबल फॉर्म में गुड्स आते हैं इनको हम नाम देते हैं CKD और SKD, शॉर्ट फॉर्म होती है। इसका फुल नेम है CKD स्टैंड्स फॉर कंप्लीटली नॉकडाउन गुड्स, कंप्लीटली नॉकडाउन गुड्स, एंड SKD स्टैंड्स फॉर सेमी नॉकडाउन गुड्स। नॉकडाउन मतलब भाई साहब अंजर पंजर अलग कर रखे, एक एक पार्ट अलग अलग निकाला हुआ है, तो अगर सारे के सारे पार्ट अलग अलग किए हुए हैं तो वो कंप्लीटली नॉकडाउन हो गया। और सर सारे पार्ट अलग अलग नहीं किए, बड़े बड़े पार्ट अलग कर दिए, बाकी इंटरनली छोटे छोटे पार्ट एज इट इज रखे हैं। सर गाड़ी आ रही है, गाड़ी का इंजन अलग कर दिया, सीट अलग कर दी, और बीच का जो कन्वर्टर जो उसकी बॉडी थी वो वैसे ही रहने दी, तो सर ये फिर सेमी नॉकडाउन है क्योंकि हर एक पार्ट उसका टुकड़े टुकड़े नहीं किया गया। अब ये चाहे सेमी नॉकडाउन फॉर्म में या कंप्लीटली नॉकडाउन फॉर्म में जब इंडिया पहुंचती होगी तो सोचिए क्या इंडिया में आते ही पोर्ट पर उतारते ही उसको इंस्टॉल कर दिया जाता होगा? ना, पॉसिबल ही नहीं है। सर पोर्ट तक आई क्योंकि उसका साइज ही बड़ा था तो हम उसको अनइंस्टॉल्ड फॉर्म में लेके आए। अब ऑब्वियस सी बात है हमें इसे आगे भी लेके जाना है, पोर्ट तक तो नहीं रहेगी। सर मान लीजिए दिल्ली में लाके इसको साइट पे कंस्ट्रक्ट करके प्ले करना है, डिस्प्ले करना है, तो हम इसको ले जाके एज इट इज डिसमेंटल फॉर्म में ही ले जाएंगे ट्रक में एंड ऑल, और डिसमेंटल फॉर्म में ले जाके ओरिजिनल साइट पे जहाँ पे उसको स्टार्ट करना है वहाँ पे उसकी असेंबली करेंगे, और असेंबली के जितने खर्चे होंगे उसको हम नाम देंगे इंस्टॉलेशन चार्जेस। ठीक है, तो अब सोच के देखिए इस सिचुएशन में क्या होगा, आप खुद बताइएगा, दिमाग लगाइएगा। ये जो डिसमेंटलिंग का खर्चा है हमें कहां तक की वैल्यू चाहिए कस्टम ड्यूटी के लिए? इंडियन पोर्ट तक की वैल्यू चाहिए। तो ये पोर्ट से पहले का खर्चा है डिसमेंटलिंग का या बाद का? ऑब्वियस सी बात है ये डिसमेंटलिंग का खर्चा प्री इंपोर्टेशन एक्सपेंस है, और क्योंकि ये प्री इंपोर्टेशन एक्सपेंस है तो ऑब्वियस सी बात है इसको हम क्या करेंगे, एड कर देंगे। हाउएवर यहां पर जो इंस्टॉलेशन हो रही है वो पोर्ट पे गुड्स उतरने के बाद हो रही है या पहले हो रही है? ऑब्वियस सी बात है गुड्स पे उतरने के बाद हो रही है, देयरफॉर ये खर्चा क्या बन गया, पोस्ट इंपोर्टेशन। और पोस्ट इंपोर्टेशन है तो इसको हम क्या कर देंगे, इग्नोर कर देंगे फॉर द पर्पस ऑफ कंप्यूटिंग कस्टम ड्यूटी। ठीक है, यानी हमारा यहाँ पे सिचुएशन क्या क्या बनी, हमने दो खर्चे देखे, एक हमने देखा डिसमेंटलिंग का, दूसरा इंस्टॉलेशन का। डिसमेंटलिंग के लिए उन्होंने कहा सर ये प्री इंपोर्टेशन एक्सपेंस है, देयरफॉर इसको आप ऐड कर दीजिए। और जहां पे हमने देखा इंस्टॉलेशन विच इज अ पोस्ट इंपोर्टेशन एक्सपेंस, उसको हमें करने को क्या बोल दिया गया, इग्नोर। सिंपल सी बात, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट खर्चा देखते हैं। उन्होंने कहा सर डेमरेज चार्जेस, डेमरेज चार्जेस। अब ये डेमरेज का मतलब क्या होता है, दिमाग में बैठाएंगे। सर जैसे ही बाहर से कोई गुड्स इंडिया तक पहुंचाए जाते हैं तो इंडियन पोर्ट पर गुड्स को उतार दिया जाता है और पोर्ट पर इंपोर्टर को 30 दिन का टाइम दिया जाता है, 30 डेज का टाइम दिया जाता है। सर यहाँ पे विद इन 30 डेज आप या तो ड्यूटी पे कीजिए और माल को क्लियर करा के ले जाइए, या आप दूसरा ड्यूटी अभी नहीं दे सकते तो इन गुड्स को कस्टम के वेयर हाउस में रिमूव करवा दीजिए बाय फाइलिंग अ सिक्योरिटी बॉन्ड। हम देखेंगे आगे चल के, यानी यहाँ पे दो काम हो सकते हैं, या तो आप क्लियरेंस करा दीजिए फॉर होम कंजम्पशन, यहाँ पे होम का मतलब लिटरली घर नहीं है, होम का मतलब है इंडिया,
फिर इंडिया में आप चाहे अपने घर ले जाएं, आप इसको फैक्ट्री ले जाएं, गोडाउन ले जाएं, हमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर आपको अपने प्रिमाइसेस पे इन गुड्स को लेके जाना है तो आपको पहले ड्यूटी पे करनी पड़ेगी, और अगर ड्यूटी पे करने के लिए फिलहाल आपके पास पैसे नहीं है या आप अभी नहीं देना चाहते तो आप कस्टम के गोडाउन इन गुड्स को रिमूव करवा सकते हैं। लेकिन इन दोनों में से एक ना एक काम आपको करवाना पड़ेगा विद इन 30 डेज। अब मान लीजिए एक इम्पोर्टर है, उसको 35-40 दिन लगेंगे माल को क्लियर कराने में, यानी 35-40 दिन में उसका पैसा आने वाला है जो वो पे करके कस्टम ऑफिसर को अपना माल छुड़वा लेगा। अब वो सोचता है सर कौन जाए वेयर हाउस में, वेयर हाउस का खर्चा अलग देना पड़ेगा, तो वो चुपचाप बैठा रहता है और 30 दिन तक ना वो अपना माल क्लियर कराने आता है ड्यूटी देके, ना वो इन गुड्स के लिए एप्लीकेशन फाइल करता है कि कस्टम वेयर हाउस भेज दो। तो लॉ मेकर कहता है अगर इस सिचुएशन में 30 दिन से ज्यादा हो गए तो भाई साहब पोर्ट पे भी तो आपने रश कर रखा है, पोर्ट में इतनी जगह नहीं है, पोर्ट पे डेली बेसिस पे लाखों करोड़ों लोग उतर रहे हैं, लाखों करोड़ों का माल उतर रहा है, तो हम आपको 30 दिन से ज्यादा यहाँ पे नहीं देने वाले। अगर आपने 30 दिन से ज्यादा माल रखा तो हम 31st day ऑनवर्ड्स आपके ऊपर एक पेनल्टी चार्ज करेंगे इन द नेम ऑफ डेमरेज चार्जेस। क्या नाम दिया गया उसे? डेमरेज चार्जेस। क्लियर है? एक जजमेंट आई मैंगलोर रिफाइनरीज एंड पेट्रोकेमिकल्स की, जहां पे कोर्ट ने कहा कि सर ये जो डेमरेज का खर्चा है, ये खर्चा बताइए, खुद सोच के बताइएगा, प्री इंपोर्ट है या पोस्ट इंपोर्ट है, पोर्ट से पहले का खर्चा है या पोर्ट के बाद का खर्चा है? सर ऑब्वियस सी बात है ये पोर्ट के बाद का खर्चा है, पोस्ट इंपोर्ट एक्सपेंस है, देयरफॉर इस खर्चे को आप क्या करेंगे, इग्नोर करेंगे फॉर द पर्पस ऑफ कंप्यूटिंग कस्टम ड्यूटी। ठीक है मैम, एक डेमरेज ना हमने लास्ट क्लास में भी पढ़ा था, बाहर से एक बड़ा सा शिप आ रहा था जो इंडियन किनारे तक नहीं पहुंच पा रहा था, तो उसको एंकर डाल के हमने दूर जेटी पे खड़ा कर दिया और वहां से छोटी नाव की सहायता से माल किनारे तक पहुंचाया गया। तो भाई साहब डेमरेज जो वर्ड है दैट इज अ मीनिंग और दैट इज अ वर्ड गिवन टू एनी पेमेंट मेड फॉर डिले इन क्लियरेंस। क्लियरेंस होने की वजह से, सॉरी, क्लियरेंस में डिले होने की वजह से कोई भी खर्चा जो असेसी पे इंपोर्टर पे पड़ता है दैट विल बी नोन एज डेमरेज। अगर डिले शिप से हो रहा है, बड़े शिप से छोटे शिप में माल ट्रांसफर किया जा रहा था और शिप से डिले हो रहा है, शिप किनारे तक नहीं आ पा रहा, आपके पोर्ट तक नहीं पहुंच पा रहा बिकॉज ऑफ हिज ह्यूजर साइज, लार्जर साइज, तो सर इस खर्चे को हम नाम देते थे शिप डेमरेज एक्सपेंस। और डेमरेज डिले अगर शिप पे ही हो गई तो सर ऑब्वियस ही बात थी उसको हम प्री इम्पोर्ट मानते थे, क्योंकि पोर्ट का मतलब, इम्पोर्ट का मतलब तब है जब माल पोर्ट पे उतर जाता है, प्री इम्पोर्ट खर्चा था तो सर एड करते थे। खाली डेमरेज है, खाली डेमरेज वर्ड दिया है तो मान लीजिए ये खर्चा कहाँ का है, एट पोर्ट, एट पोर्ट है तो इसको हम पोस्ट इंपोर्टेशन खर्चा मान लेंगे और इस खर्चे को हम इग्नोर कर देंगे। ये बात सुप्रीम कोर्ट ने क्लैरिफाई की इन द केस ऑफ मैंगलोर रिफाइनरीज एंड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड, जहां पे सुप्रीम ने, कोर्ट ने दो खर्चे बांटे थे, शिप डेमरेज एंड डेमरेज। अगर खाली डेमरेज है तो ये पोर्ट का खर्चा है, शिप डेमरेज है तो ये जेटी का खर्चा है, जेटी का खर्चा है तो ऑब्वियस ही बात है सर फिर ये प्री इम्पोर्ट है, और अगर पोर्ट का खर्चा है तो ये पोस्ट इम्पोर्ट है, प्री इम्पोर्ट खर्चा है तो सर इसको हम ऐड कर देंगे और पोस्ट इम्पोर्ट खर्चा है तो इसको हम इग्नोर कर देंगे। ये बात कोर्ट ने क्लैरिफाई की इन द केस ऑफ मैंगलोर रिफाइनरीज एंड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड। ठीक है बेटा, क्लियर है? चलिए नेक्स्ट खर्चा देखते हैं एक बार हम। नेक्स्ट उन्होंने कहा सर कई बार इंस्पेक्शन फीस का खर्चा आ जाता है। इंस्पेक्शन फीस का मतलब क्या होता है सुनिएगा, एक एक्सपोर्टर है जो बाहर बैठा हुआ है, उसने कोई मशीनरी इंपोर्टर को दी और कहा कि
कि ये मशीन आप अपने प्रिमाइसेस में जब इंस्टॉल करें लगाएं, तो सर इसकी इंस्पेक्शन जरूर करा लीजिएगा, क्योंकि ये थोड़ी एक्सप्लोसिव नेचर की है, डेंजरस नेचर की है। मान लीजिए बाहर से फायर एक्सटिंग्विशर बॉल्स आ रही हैं, जिनको फायर लगने पे, फेंके जाने पे फायर को हम रोक सकते हैं, लेकिन इनको हैंडल करने के लिए हमें कुछ ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, हमें कुछ इंजीनियर्स भेजने पड़ेंगे इनको इंस्टॉल करते वक्त, जो इंस्पेक्ट करेंगे कि कोई लीकेज तो नहीं है, कोई खतरा तो नहीं है, क्योंकि भाई साहब इतनी दूर से माल आया है, रास्ते में शिप हिलता डुलता आया है, ट्रक हिलता डुलता आया है, जिन्होंने माल यहाँ तक पहुँचाया है, तो कहीं कोई स्क्रैचेस, कोई तोड़फोड़, कोई डैमेज ना हुआ हो जिसके चलते ये नुकसानदायक ना हो जाए। तो एक्सपोर्टर ने इम्पोर्टर को कहा कि भाई साहब मैं अपना इंस्पेक्टर भेजूंगा, या तो ये इंस्पेक्टर मेरा होगा या किसी थर्ड एजेंसी से बुला लेना, लेकिन वो कह रहा है बेटा जब भी ये मंगवाना इसी के सामने आप इंस्टॉल करना, यानी बिना इंस्पेक्शन के आप इस मशीन को इंस्टॉल मत करना, यानी जो भी इंस्पेक्शन का खर्चा होगा, सर भले ही ये इंस्पेक्शन का खर्चा इंडियन साइट पे आके होगा, सर जहां पे भी इस मशीन को इंस्टॉल करना है वहां पे आके होगा, यानी टेक्निकली तो ये पोस्ट इंपोर्टेशन खर्चा है, सर इंपोर्ट के बाद का खर्चा है, लेकिन वो कहता है सर अगर इस खर्चे को कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा माना हुआ है, यानी इट इज कंपल्सरी अंडर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एक्सपोर्टेशन, कॉन्ट्रैक्ट में कंपल्सरी किया है कि बिना इंस्पेक्शन के आप मशीन को इंस्टॉल नहीं कर सकते, गुड्स को इंस्टॉल नहीं कर सकते अपनी साइट पे, इट इज कंपल्सरी, तो सर फिर हम इसको प्री इंपोर्ट मानेंगे, भले ही ये खर्चा इंडिया में आके इनकर क्यों ना हो। प्री हमने इसको क्यों माना, बिकॉज सर ये प्री कंडीशन है, इसके बिना माल ही नहीं बेचा जाता, ये प्री कंडीशन थी कि आप अगर हमसे खरीदोगे तो आपको इंस्पेक्ट करवाना ही पड़ेगा, और क्योंकि प्री कंडीशन है, इस कंडीशन को पूरा किए बिना माल इंडिया तक आता ही नहीं, देयरफॉर इसको हम प्री इंपोर्टेशन एक्सपेंस मानेंगे, और क्योंकि ये प्री इंपोर्टेशन एक्सपेंस है देयरफॉर इस खर्चे को हम क्या कर देंगे, एड कर देंगे। ठीक है बेटा। हाउएवर ऑन द अदर साइड अगर ये खर्चा कंपल्सरी नहीं होता, सर आपकी मर्जी है, आप इंस्पेक्ट कराओ आप ना कराओ, कोई इसका नेचर बहुत डेंजरस हजार्डस नेचर नहीं है, तो सर फिर क्योंकि ये प्री कंडीशन तो है नहीं, माल इंपोर्ट करने की कोई कंडीशन तो है नहीं यहाँ पे, और ये एक्चुअल खर्चा कहाँ पे हो रहा है, इंडिया में साइट के आने के बाद, जो भी साइट है वहाँ पे जाने के बाद, देयरफॉर इस खर्चे को हम पोस्ट इंपोर्टेशन एक्सपेंस मानते हैं, और पोस्ट इंपोर्टेशन एक्सपेंस मानते हुए इस खर्चे को हम इग्नोर कर देंगे फॉर द पर्पस ऑफ कंप्यूटिंग कस्टम ड्यूटी। यानी टेक्निकली यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया, इंस्पेक्शन चार्जेस के लिए, उन्होंने इंस्पेक्शन चार्जेस के लिए दो सिचुएशन बनाई, सर अगर ये कंपल्सरी है कॉन्ट्रैक्ट में तो प्री कंडीशन है, प्री इंपोर्टेशन एक्सपेंस है, अगर ये कंपल्सरी नहीं है तो कोई कंडीशन नहीं है, फिर ये पोस्ट इंपोर्टेशन है, अगर प्री इंपोर्टेशन है तो सर इसको ऐड कीजिए, और अगर पोस्ट इंपोर्टेशन है तो इसको इग्नोर कर दीजिए। ठीक है बेटा, क्लियर एकदम। चलिए एक बार क्विकली रिकैप देखिएगा, हमने क्या क्या खर्चे देखे। हमने पहला खर्चा देखा कमीशन, जिसमें हमने कहा सेलिंग कमीशन को लेंगे, बाइंग कमीशन को नहीं। सेलिंग कमीशन के लिए उन्होंने कहा कौन सा सेलिंग कमीशन है, उन्होंने कहा सर सेलिंग कमीशन वो खर्चा है, उन्होंने कहा सेलिंग कमीशन वो खर्चा है जो एक्सपोर्टर के एजेंट को देते हैं, अगर खाली एजेंट लिखा है तो सर रुपीज में होगा, कैनलाइजिंग एजेंट है तो डॉलर में होगा, उसको ऐड कर दीजिएगा। ठीक है, और यहाँ पे बाइंग कमीशन है वो इंपोर्टर के एजेंट को होगा, अगर खाली एजेंट है तो सर डॉलर में होगा फॉरेन करेंसी में, और कैनलाइजिंग एजेंट है तो इंडियन रुपीस में होगा, उसको इग्नोर कर दीजिएगा। देन नेक्स्ट हमने सेकंड खर्चा देखा सर पैकिंग चार्जेस, पैकिंग नॉर्मल चार्जेस आपको लेने होंगे, रिटर्नेबल नहीं, प्रिज्यूमिंग दैट रिटर्नेबल पैकिंग 6 महीने में रिटर्न हो गई होगी। देन उसके बाद थर्ड खर्चा हमने कहा रॉयल्टी के लिए, रॉयल्टी के लिए उन्होंने कहा
नेक्स्ट खर्चा उन्होंने कहा रॉयल्टी का. सर रॉयल्टी क्या होता है? हमने कहा कोई भी कॉपीराइट वगैरह, कोई भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी किसी ने क्रिएट की है, ट्रेडमार्क लिया है, पेटेंट लिया है, कॉपीराइट लिया है, हम उसके इस अधिकार को अगर शेयर कर रहे हैं तो उस पर हम सामने वाले को, क्रिएटर को, कुछ कंपनसेशन, कुछ कंसिडरेशन देते हैं जिसको हम रॉयल्टी कहते हैं. अगर इम्पोर्टेड गुड्स के केस में रॉयल्टी आ रही है फॉर रीसेल ऑफ गुड्स इन इंडिया, यानी उसके बदले टेंजिबल गुड्स इंडिया में आ रहे हैं तो इसको कस्टम के लिए ऐड कर देंगे. लेकिन अगर रॉयल्टी दी जा रही है उस अधिकार के लिए जिसके तहत आप इंडिया में उन गुड्स को रिप्रोड्यूस करेंगे, तो सर ऑब्वियसली बात है यहाँ पे कोई टेंजिबल गुड्स नहीं आ रहे, रादर एक इनटेंजिबल अधिकार आ रहा है. और अधिकार आ रहा है तो वो सर्विस है, फिर उसको जीएसटी के अंदर चार्ज करेंगे ना कि कस्टम में. कस्टम में उसको इस अमाउंट को इग्नोर कर दिया जाएगा. देन उसके बाद हमने नेक्स्ट खर्चा देखा था डिसमेंटलिंग एंड इंस्टॉलेशन चार्जेस. डिसमेंटलिंग एंड इंस्टॉलेशन में उन्होंने कहा बाहर से कोई मशीनरी, बड़ी इक्विपमेंट्स आ रहे हैं, तो सर हमारा मानना है कि वो जो डिसमेंटलिंग का खर्चा किया होगा मशीन को, इक्विपमेंट्स को कम्प्लीटली या सेमी नॉकडाउन करने के लिए, ये इम्पोर्ट से पहले का खर्चा है, प्री है, इसको ऐड कर दीजिए. लेकिन उसको आप इंडियन साइट पर ले जाके इंस्टॉल करते हैं तो सर ये पोस्ट इम्पोर्टेशन खर्चा है, इसको हम इग्नोर कर देंगे. देन उसके बाद हमने फिफ्थ एक्सपेंस देखा डेमरेज का. अगर नॉर्मल डेमरेज है तो सर वो इंडियन पोर्ट का खर्चा है. पोर्ट पर 30 डेज के अंदर अंदर आपको या तो गुड्स क्लियर कराने हैं ड्यूटी देके, या आप उसको कस्टम के वेयर हाउस में भेज देते हैं. अगर इस टाइम लिमिट के अंदर आप गुड्स को वहां से नहीं उठाते तो डिले होने पर हम आपके ऊपर कुछ चार्जेस लगाएंगे जिसको डेमरेज कहते हैं. सर खाली डेमरेज है यानी पोर्ट का खर्चा है, इसको हम हमेशा इग्नोर करेंगे बीइंग पोस्ट इंपोर्टेशन एक्सपेंस. लेकिन अगर क्वेश्चन में शिप डैमरेज कह रहा है यानी बाहर से शिप में आने में डिले हो रहा है ड्यू टू ट्रांसशिपमेंट एंड ऑल, तो उस सिचुएशन में वो प्री इंपोर्टेशन खर्चा है, उसको हम ऐड कर देंगे. देन इसके बाद बेटा हमने देखा था इंस्पेक्शन फीस. इंस्पेक्शन फीस के लिए उन्होंने कहा था कि बेटा अगर एक्सपोर्टर इंपोर्टर को कह रहा है कि आप जो भी सामान ले रहे हो उसको इंस्पेक्ट करके ही लगवाना, और वो इंस्पेक्शन इंपोर्टेशन की प्री कंडीशन है यानी इसके बिना एक्सपोर्टर माल भेजेगा नहीं, तो भले ही ये खर्चा इंडिया में आने के बाद हो रहा हो बट इसको हम इंपोर्टेशन की प्री कंडीशन मानते हैं जिसके बिना माल इंडिया तक नहीं पहुँचता, देयरफॉर इस खर्चे को हम असेसेबल वैल्यू में ऐड कर देंगे. हाउएवर अगर ये खर्चा कोई कंडीशन नहीं है, इंपोर्टर की अपनी मर्जी है, एक्सपोर्टर ने कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाई, तो सर फिर खर्चा ऑब्वियसली बात है कोई कंडीशन में था नहीं और इंडिया में आने के बाद हो रहा है, देयरफॉर हम इसको पोस्ट इंपोर्टेशन मानते हुए इग्नोर कर देंगे. ठीक है बेटा. चलिए लास्ट देखिएगा, दो छोटे छोटे खर्चे और बच गए. हम सेवंथ खर्चा देखते हैं. मटेरियल components, designs, etc. supplied by importer to exporter. देखिएगा बेटा एक बार example के through हम इस बात को समझते हैं. इंडिया में मेरा एक इंपोर्टर है वीडियोकॉन लिमिटेड. इसने एक नई ब्रांच खोली जिसके लिए इसको 2000 कंप्यूटर सेट्स चाहिए अपनी कंपनी के लिए. अब मान लीजिए ये यूएस बेस्ड माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के साथ टाइप करता है और उसको ऑर्डर प्लेस करता है कि आई नीड 2000 कंप्यूटर सेट्स फॉर माय कंपनी. ठीक है. अब ऑर्डर मिलते ही माइक्रोसॉफ्ट अपना प्राइस कोट करता है. माइक्रोसॉफ्ट कहता है सर देखिए अगर आप हमसे लेंगे कंप्यूटर सिस्टम तो हमारा एक मॉनिटर पड़ेगा 8000 रुपए का. उसके अंदर हम अपना सॉफ्टवेयर वगैरह डालेंगे आपके डिमांड के अकॉर्डिंगली, तो सॉफ्टवेयर की कॉस्ट पड़ेगी समवेयर 12000 रुपए. हम इसके अंदर सीपीयू डालेंगे आपके डिमांड के अकॉर्डिंगली 14000 रुपए का. हमारे अदर ओवरहेड्स इनकर होंगे और पेरिफेरल्स पे हार्डवेयर पे 6000 की.
एंड में अपना प्रॉफिट मार्जिन लूंगा लेट से 5,000। यानी अल्टीमेटली हमारा जो ट्रांजैक्शन वैल्यू फिक्स होगी, जो इनवॉइस प्राइस फिक्स होगा, वो कितने पे होगा? 45,000 पर यूनिट। अब वीडियो कौन कहता है, सर ये थोड़ा आप महंगा कोटेशन दे रहे हैं, मुझे इतना महंगा नहीं चाहिए। तो माइक्रोसॉफ्ट वीडियो कौन को कहता है, सर आप क्या चाहते हैं? अब माइक्रोसॉफ्ट इस ऑर्डर को खोना नहीं चाहता, क्योंकि यहाँ पे उसको बहुत बल्क क्वांटिटी में ऑर्डर आया है 2000 कंप्यूटर सिस्टम बनाने का। तो माइक्रोसॉफ्ट वीडियो कौन को कहता है, सर आप क्या चाहते हैं वो बताइए, हम आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली आपको फैसिलिटेट करेंगे। अब वीडियो कौन कहता है, सर देखिए ये जो कंप्यूटर में मॉनिटर आप लगा रहे हैं ना, ये मॉनिटर आप मत लगाइए, हम भी एलईडी स्क्रीन्स के अंदर डील करते हैं, हम भी इसकी मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, तो हम आपको मॉनिटर भेज देंगे, आप हमारा वाला मॉनिटर स्क्रीन पे लगा देना जिसकी कॉस्ट मात्र 3,000 रुपये है। सर क्योंकि हमारी खुद की मैन्युफैक्चरिंग है तो हमें बहुत सस्ता पड़ता है, और सर हमारा जो सिस्टम है ये ऑब्वियसली मोबाइल सिस्टम होगा, यानी मोबिलिटी रहेगी, जो स्क्रीन है, जो लैपटॉप्स हैं, जो सिस्टम है, एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हो सकते हैं, तो सर हमें एक अपना स्टॉक मेंटेन भी करना है, कल को कहीं ये ना हो कि छोटा सा टैब है और स्टाफ अपने बैग में ही रख के ले जाए और हम बाद में उससे पूछे कहाँ गया तो वो कहे मैं तो अपनी टेबल पर छोड़ गया था। तो सर हमें एक ट्रैक रिकॉर्ड चाहिए जिसमें हमारे उसके अंदर एक चिप लगी होनी चाहिए, हमारा एक आइडेंटिफिकेशन मार्क होना चाहिए जिससे कोई भी हमारा सामान अपने पर्सनल यूज़ के लिए अपने घर ना ले जाए। इसके लिए मैं आपको एक डाई दे रहा हूं, वीडियो कौन कहता है माइक्रोसॉफ्ट को, मैं एक डाई दे रहा हूं, एक साचा दे रहा हूं जिसके अंदर हमारा लेबल, हमारा नाम लगा हुआ है। अब जब भी आप सिस्टम बनाएं तो आपका फ्रेश सिस्टम बन के आएगा, आप हमारे डाई से हर सिस्टम पे स्टैंपिंग करते जाइएगा, सो दैट हर सिस्टम के पीछे आपके नाम के साथ मेरा नाम भी जुड़ा रहे और मेरा कोई भी स्टाफ इस सिस्टम के साथ खिलवाड़ ना कर सके, क्योंकि हर सिस्टम के पीछे मेरा आइडेंटिफिकेशन मार्क है, प्रूफ है कि ये सारे सिस्टम्स मेरे हैं ना कि किसी और के। ठीक है बेटा। अच्छा वो कहता है सर इस डाई की कॉस्ट जो होगी लेट्स से मान लीजिए 2,000 रुपए पर यूनिट होगी, लेट्स से। ठीक है। तीसरा वीडियो कौन कहता है माइक्रोसॉफ्ट को, सर आप सॉफ्टवेयर भी अपना मत लगाइएगा, मैंने अभी रिसेंटली ऑस्ट्रेलिया से एक सॉफ्टवेयर खरीदा है, वो सॉफ्टवेयर जो मैंने आपको खरीदा है, मैंने वहां से खरीदा है, वो मैं आपको डिलीवर कर दूंगा जिसकी पर यूनिट कॉस्ट 7,000 रुपए पड़ेगी। तो माइक्रोसॉफ्ट कहता है ठीक है सर आप दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, आपकी कही चीज में लगा दूंगा, बाकी मैं अपनी लगा दूंगा। ठीक है। यानी माइक्रोसॉफ्ट ने ना मॉनिटर दिया ना सॉफ्टवेयर दिया, बाकी तीन चीजें दी जिसके चलते इनवॉइस का प्राइस उसका। तो बेटा फिर इसमें 45,000 तो नहीं मिलेगा, क्योंकि मॉनिटर सॉफ्टवेयर सप्लायर रिसिपिएंट को दे ही नहीं रहा, एक्सपोर्टर बायर को दे ही नहीं रहा, बायर एक्सपोर्टर को। यानी सिंपल सी बात है, क्या ऐसे बायर सेलर को कुछ दे सकता है इनपुट? बिल्कुल दे सकता है। सर मैं बायर हूँ, मुझे अपने मन के हिसाब से कोई ड्रेस बनवानी है, मैं खुद अपने मन का फैब्रिक खरीद के टेलर के पास जाके दे के आती हूँ कि भाई साहब आप इस फैब्रिक पे मेरे साइज के हिसाब से रेडीमेड गारमेंट तैयार कर दीजिए, ड्रेस बना दीजिए। तो अब टेलर ऑब्वियसली मेरे इनपुट पे आउटपुट बनाएगा, ड्रेस तैयार करके देगा, और जब फिर वो ड्रेस देगा तैयार करके तो अपने लेबर चार्जेस ही तो लेगा, मुझसे फैब्रिक की कॉस्ट थोड़ी ना मांगेगा, क्योंकि फैब्रिक तो मेरा था और मेरा खरीदा हुआ फैब्रिक मेरे ही नाम से ड्रेस बन के मेरे पास आ गया, तो इसके लिए लेबर जो टेलर है अपने लेबर चार्जेस के अलावा मुझसे फैब्रिक की कॉस्ट तो नहीं मांगेगा ना। तो सेम हेयर, इम्पोर्टर ने एक्सपोर्टर को रॉ मटेरियल दिया उसके आउटपुट में लगाने के लिए, तो ऑब्वियस ही बात है एक्सपोर्टर रॉ मटेरियल की कॉस्ट तो इम्पोर्टर से चार्ज नहीं करने वाला। ठीक है। यानी अल्टीमेटली इनवॉइस प्राइस कितना होगा सर? 45 की जगह अब वो सिर्फ जितना पे कर रहा है उसका टोटल यानी 25,000 उसे पे करना होगा, इंपोर्टर को एक्सपोर्टर को पे करना होगा। और एक्सपोर्टर जब इंपोर्टर को गुड्स डिलीवर करेगा, कंप्यूटर सिस्टम भेजेगा, तो उसमें इनवॉइस प्राइस भी साथ में मेंशन करके दे देगा, दैट इज ऑफ 25,000 पर यूनिट।
लेकिन बताइए क्या वाकई ये सिस्टम इंडिया में 25,000 रुपए पे आ गया? नहीं, लॉ मेकर ने कहा सर कोई भी खर्चा जो इंपोर्टर कर रहा है या एक्सपोर्टर कर रहा है उन एक्सपोर्टेड गुड्स को इंडिया के पोर्ट तक एक्सपोर्ट करने के लिए, यानी अगर इंपोर्टर के पॉइंट से देखें तो उन गुड्स को जो बाहर से बन के आ रहे हैं इंडियन पोर्ट तक इंपोर्ट करने के लिए, फिर चाहे वो खर्चा एक्सपोर्टर ने किया है चाहे वो खर्चा इंपोर्टर ने किया है, उन सब के एग्रीगेट वैल्यू को आप असेसिबल वैल्यू मान लेंगे। यानी उन्होंने कहा सर असेसिबल वैल्यू हो जाएगी जो भी इनवॉइस प्राइस था, यानी 25,000 प्लस इसमें हम उस मॉनिटर उस इनपुट की कॉस्ट भी जोड़ेंगे, जो इंपोर्टर अगर नहीं देता तो एक्सपोर्टर को लगाना पड़ता। सर मॉनिटर अगर इंपोर्टर नहीं देता तो एक्सपोर्टर को तो देना पड़ता। हम वो डाइस की भी कॉस्ट को जोड़ेंगे जो डाइस सिस्टम में यूज हुए, अगर ये यूज नहीं होते तो सिस्टम बन के नहीं आता, यहाँ पे इन डाइस की भी खर्चों को जोड़ो। हम सर उस कॉस्ट को भी जोड़ेंगे जो सॉफ्टवेयर डिजाइन डेवलपमेंट वर्क्स आए उनको भी जोड़ेंगे, एंड फाइनली उसके अंदर फ्रेट इंश्योरेंस वगैरह जोड़ के जो भी खर्चा आएगा उसको हम असेसिबल वैल्यू मान लेंगे। मैम जो सामान हमने इंडिया से एक्सपोर्ट किया उसकी भी कॉस्ट को जोड़े? उन्होंने कहा यस, उसकी भी कॉस्ट को आपको जोड़ना पड़ेगा। आज से ध्यान रखना कोई भी खर्चा चाहे वो रॉ मटेरियल है चाहे कोई कंपोनेंट है या कोई डिजाइन डेवलपमेंट वर्क है अंडरटेकन आउटसाइड इंडिया, आउटसाइड इंडिया का मतलब क्या है? उन्होंने कहा सर मॉनिटर डाई वगैरह जो भी इनपुट है और जो भी मशीन वगैरह है वो चाहे इंडिया से खरीद के दे हमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो भी डिजाइंस है रिसर्च वर्क है इंजीनियरिंग वर्क है जिसमें इंजीनियर्स की जरूरत पड़ रही थी या डेवलपमेंट वर्क है जो इंपोर्टर एक्सपोर्टर को दे रहा है, इसकी कॉस्ट को इंपोर्टेड गुड्स के अंदर आपको सिर्फ और सिर्फ तभी जोड़ना है जब ये इंडिया से बाहर अंडरटेकन हुए। क्यों सर? इसका मतलब क्या है? अगर ये डिजाइन डेवलपमेंट इंडिया में हुए होते तो हम उसकी कॉस्ट को नहीं जोड़ते? नहीं जोड़ते बेटा, बिल्कुल नहीं जोड़ते। वो कहता है अगर ये डिजाइन डेवलपमेंट वर्क बाहर से बन के आया तो आपसे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं है, आप बाहर से डिजाइन खरीद रहे हो, इंडिया से कैश आउटफ्लो बाहर गया, फिर वो जो डिजाइन आया आप उसको खुद इंडिया में नहीं यूज कर रहे, उस फॉर्मूले को आपने किसी तीसरे बाहर बंदे को दे दिया और जिस बाहर बंदे को दिया उसको फिर आप फाइनल प्रोडक्ट बनाने के लिए उसको दे रहे हो, जिस पे फाइनल प्रोडक्ट पे अगेन आपकी जेब से पैसा बाहर खर्च हो रहा है, कैश आउटफ्लो जा रहा है। तो सर ऐसी स्थिति में हम इस चीज को एनकरेज नहीं करेंगे, जो भी खर्चा आपका हुआ है उसको हम असेसिबल वैल्यू के लिए ऐड कर देंगे। जैसे ही हम ये खर्चा ऐड करेंगे असेसिबल वैल्यू बढ़ जाएगी, वैल्यू बढ़ी तो ड्यूटी आपको बढ़ी हुई देनी पड़ेगी। यानी इसका मतलब ये है कि अगर ये रिसर्च वर्क ये डिजाइन वर्क ये डेवलपमेंट वर्क इंडिया में हुआ होता और इंडिया से फिर हमने बाहर एक्सपोर्ट किया होता अपने प्रोडक्ट के अंदर यूज करने के लिए, तो उसका वैल्यू को हम यहाँ असेसिबल वैल्यू में कभी नहीं ऐड करते, नहीं ऐड करके वैल्यू हमारी कम हो जाती, ड्यूटी कम देनी पड़ती, और ये छूट हमने जानबूझ के दी है इन ऑर्डर टू प्रोवाइड एनकरेजमेंट ऑफ इंडियन रिसर्च वर्क। हम चाहते हैं इंडिया में ज़्यादा से ज़्यादा रिसर्च एंड डेवलपमेंट वर्क हो तो उसको बढ़ावा देने के लिए यहीं के काम को अगर आप बाहर प्रमोट करते हो तो उसकी वैल्यू को हम कभी भी नहीं जोड़ेंगे। ठीक है बेटा, यानी इसका क्रक्स क्या निकला? हम ये कह सकते हैं सिंपल सी बात, इम्पोर्टर एक्सपोर्टर को सप्लाई करता है कोई भी तीन चीजें, रॉ मटेरियल, कंपोनेंट, डाइज एटसेट्रा और डिजाइन रिसर्च, ये वर्ड्स ध्यान रखिएगा, इंजीनियरिंग और डेवलपमेंट वर्क, बट इसके लिए कंडीशन है
अंडरटेकन आउटसाइड इंडिया. कैसे पता लगेगा इंडिया से बाहर रिसर्च वर्क हुआ है? सर इसकी पेमेंट फॉरेन करेंसी में होगी इन जनरल, ठीक है. यानी अगर ये अंडरटेकन इन इंडिया हुआ है, कैसे पता लगेगा इंडिया में आपने रिसर्च करवाई है? सर इसकी पेमेंट इंडियन रुपीस में हुई होगी. अगर इंडियन रुपीस में हुई है तो इस खर्चे को आपको नहीं लेना. सो एज टू एनकरेज मोर ऑफ रिसर्च इन इंडिया, हम चाहते हैं नई नई चीजें इंडिया में इन्वेंट हो, सो दैट ग्लोबली हमारा रिकॉग्निशन हो, हमारी डिमांड बढ़े. हाउएवर रॉ मटेरियल कंपोनेंट्स आप चाहे इंडिया के बाहर से खरीद के लाओ या आप इन इंडिया से खरीद के दो, अगर ये तीनों सामान सप्लाई करता है इंपोर्टर टू एक्सपोर्टर टू बी यूज्ड इन आउटपुट टू बी इंपोर्टेड इन इंडिया, जो भी इंडिया में आउटपुट इंपोर्ट होके आ रहा है तो उसकी वैल्यू को हम प्रोपोर्शनेटली ऐड कर देंगे. प्रोपोर्शनेटली का मतलब क्या होता है बेटा? भाई सिंपल सी बात है, इंपोर्टर ने एक्सपोर्टर को 10,000 यूनिट भेजे 10,000 यूनिट भेजे, बट उन 10,000 में से लग के आए खाली 2,000 यूनिट, तो कितनी कॉस्ट जुड़ेगी? सिंपल सी बात है, 2,000 यूनिट की कॉस्ट जोड़ दी जाएगी. क्लियर है? यानी मैं ये कह सकती हूँ बेटा, अब हम ये कह सकते हैं कि जब भी हम इंडियन पोर्ट पे असेसिबल वैल्यू निकालेंगे एट इंडियन पोर्ट, तो हमें कुछ बातों का ध्यान रखना होगा. हम क्या कहेंगे? हम वो सारे खर्चे ले लेंगे, ऑल एक्सपेंसेस इनकर्ड इन रिलेशन टू इंपोर्टेड गुड्स. जो भी गुड्स इंडिया में इंपोर्ट हुए हैं उन पे जितना भी खर्चा हुआ है, फिर चाहे वो खर्चा एक्सपोर्टर ने किया हो, एक्सपोर्टर ने क्या क्या खर्चे किए होंगे सर? कुछ भी नाम दे सकते हैं, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, लोडिंग चार्जेस एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा, या वो खर्चा इंपोर्टर ने किया हो. अब इंपोर्टर कौन कौन से खर्चे कर सकता है? सर वो कर सकता है ऑन बिहाफ ऑफ एक्सपोर्टर हिमसेल्फ. एक्सपोर्टर के बिहाफ पे खर्चा किया इंपोर्टर ने, क्या क्या खर्चा कर सकता है एक्सपोर्टर के बिहाफ पे? सर उसके एजेंट को सेलिंग कमीशन देना, ठीक है, उसके लिए रॉ मटेरियल खरीद के लाना, उसके लिए कंपोनेंट्स डिजाइन्स वगैरह खरीदना, एंड सो ऑन. ये सारे खर्चे किसके हैं भाई? हम कैसे माने किसके बिहाफ पे है? तो आप सिंपल सी बात ध्यान रखिएगा, इंपोर्टर ने वो खर्चे एक्सपोर्टर के बिहाफ पे किए, जो खर्चे अगर इंपोर्टर नहीं करता तो एक्सपोर्टर को वो खर्चे करने पड़ते गुड्स को वहां से एक्सपोर्ट करने के लिए. भाई साहब इंपोर्टर रॉ मटेरियल नहीं भेजता, मॉनिटर नहीं भेजता, तो एक्सपोर्टर को मॉनिटर लगा के देना होता, क्योंकि बिना मॉनिटर के कंप्यूटर बन नहीं सकता. तो हर वो खर्चा जो एक्सपोर्टर को करना पड़ता गुड्स को आप तक पहुंचाने के लिए, फाइनल प्रोडक्ट को आप तक पहुंचाने के लिए, अगर वो खर्चा आपने उसके बिहाफ पे कर दिया तो उनको भी हम प्री इंपोर्ट मानते हुए उसके अंदर ऐड कर देंगे, क्योंकि उस खर्चे के बिना इंडियन पोर्ट तक फाइनल प्रोडक्ट आपके पास बन के नहीं आता. ठीक है बेटा? देन नेक्स्ट वो कह रहा है कई बार इंपोर्टर खर्चा करेगा ऑन बिहाफ ऑफ हिमसेल्फ. क्या मैं कह दूं? ऑन बिहाफ ऑफ इंपोर्टर हिमसेल्फ. इंपोर्टर अपने बिहाफ पे भी कुछ खर्चे करेगा, और इंपोर्टर जब अपने बिहाफ के खर्चे करेगा ना बेटा, तो फिर वो दो तरह से करेगा, या तो अप टू इंडियन पोर्ट, इंडियन पोर्ट तक माल पहुंचाने का खर्चा, या afterwards वहां से माल ले जाने का खर्चा. अगर वो अप टू इंडियन पोर्ट कर रहा है तो क्या क्या खर्चे हो गए सोच के बताइए.
सर मैं कह दूं ओशन का फ्रेट, रस्ते का फ्रेट, ओनरशिप कई बार हमारे इंपोर्टर के नाम पे हो गई थी तो वहाँ से इंडियन पोर्ट तक लाने का फ्रेट का खर्चा, कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, और रास्ते में क्योंकि रिस्क उसका था तो उसने उन गुड्स को इंश्योर भी करा लिया, इंश्योरेंस का खर्चा। तो ये इंश्योरेंस फ्रेट का खर्चा इंपोर्टर अपनी जेब से अपने बिहाफ पे कर रहा है क्योंकि ओनरशिप उसके नाम पे ट्रांसफर हो गई है, लेकिन फिर भी हम उसको प्री इम्पोर्ट ही मानेंगे क्योंकि पोर्ट से पहले के सारे खर्चे प्री इम्पोर्टेशन एक्सपेंस है, उन सारे के सारे खर्चों को आपको ऐड करना होगा व्हाइल कंप्यूटिंग असेसिबल वैल्यू ऑफ इम्पोर्टेड गुड्स। ठीक है, वेयर एज अगर इम्पोर्टर अपने बिहाफ का कोई खर्चा आफ्टरवर्ड्स करता है, आफ्टर पोर्ट करता है, या मैं आफ्टर की जगह यहां पे कह दूं कोई भी खर्चा वो आफ्टर CIF करता है, पोर्ट पर पहुंचने के बाद करता है, तो सर उन सारे खर्चों को आप पोस्ट इंपोर्टेशन एक्सपेंस मानते हुए उन सारे खर्चों को आप इग्नोर कर देंगे व्हाइल कंप्यूटिंग असेसिबल वैल्यू फॉर कस्टम ड्यूटी। यानी इन खर्चों को छोड़ के बाकी सारे खर्चे प्लस प्रॉफिट मार्जिन ऑफ एक्सपोर्टर जोड़ दीजिएगा तो इंडियन पोर्ट तक के खर्चे आ जाएंगे, उस वैल्यू को हम असेसिबल वैल्यू मानते हुए उस पर ड्यूटी कंप्यूट कर देंगे। क्लियर है बेटा? चलिए एक लास्ट खर्चा हम देखते हैं। फाइनली उन्होंने कहा इंटरेस्ट के लिए, सर इंटरेस्ट की क्या ट्रीटमेंट की जाए, इंटरेस्ट ऑन डिलेड पेमेंट्स, या इसको हम कई बार फाइनेंशियल चार्जेस भी कहते हैं, इनको हम कई बार फाइनेंशियल चार्जेस भी कहते हैं, फाइनेंस कराने का खर्चा। चलिए मान लीजिए बाहर से एक इंपोर्टर ने सामान मंगवाया और ये जो सामान मंगवाया है गुड्स इंपोर्ट किए हैं। सर ये दो तरह से गुड्स आते हैं, या तो बाय कैश इंपोर्टर ने पूरा पैसा हाथ के हाथ दिया, या बाय क्रेडिट पैसा अभी नहीं जा रहा, इंपोर्टर ने एक्सपोर्टर से रिक्वेस्ट की है कि सर इंस्टॉलमेंट में मुझे सामान दे दीजिए, सामान आज भेज दीजिए, मैं पैसे आपको पेमेंट टुकड़ों टुकड़ों में कर दूंगा। अब सोचने वाली बात है, मान लीजिए कार ली बाहर से जो अगर डाउन पेमेंट की पूरी तो 10 लाख की पड़ी, लेकिन अगर आप किश्तों में खरीद रहे हो क्रेडिट पे ले रहे हो तो वो गाड़ी 10 लाख की थी जिस पे आपको ब्याज देना पड़ रहा है बिकॉज ऑफ लेट पेमेंट और आपके ऊपर 2 लाख का इंटरेस्ट भी चार्ज हो रहा है। यहाँ पे 12 लाख चार्ज हुए, यहाँ पे आपसे 10 लाख चार्ज हुए। अब लॉ मेकर कह रहा है सर वो जो कैश में बंदा सामान खरीद रहा है, सोचिए जो कैश में बंदा सामान खरीद रहा है उसकी परचेजिंग पावर ज्यादा या कम, उसकी खरीदने की क्षमता ज्यादा या कम, ऑब्वियसली बात है उसकी खरीदने की क्षमता ज्यादा है, ही इज हैविंग हायर परचेजिंग पावर, उसकी परचेजिंग पावर ऑब्वियसली बात है ज्यादा है एज कंपेयर्ड टू वो बंदा जो क्रेडिट पे सामान खरीद रहा है। जो क्रेडिट पे सामान खरीद रहा है सर उसकी परचेजिंग पावर बहुत कम है, तभी तो वो उधार पे माल खरीद रहा है, इकट्ठा उसके पास इतना पैसा नहीं है कि वो वन टाइम में पूरी पेमेंट करके गाड़ी को खरीद ले। अब सरकार कहती है सर यहां पे थोड़ी सी डिस्क्रिपेंसी नहीं हो जाएगी, वो बंदा जो किश्तों पे खरीद रहा है उसके लिए आप असेसिबल वैल्यू में पूरा इंटरेस्ट जोड़ देते हो, और वो बंदा जो किश्तों में माल नहीं खरीद रहा उसके लिए इंटरेस्ट क्योंकि चार्ज ही नहीं हुआ तो आप उसको लेते नहीं। अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट, अभी हम फ्रेट इंश्योरेंस और बाकी खर्चों को अगर इग्नोर करके समझें और इसी अमाउंट को असेसिबल वैल्यू माने तो आपको नहीं लगता एक दिक्कत है? सर जिसने कैश में खरीदी गाड़ी उसको तो कस्टम ड्यूटी लेट से 40% के रेट से पड़ी 4 लाख रुपए, और जो क्रेडिट पे खरीद रहा है उसको कस्टम ड्यूटी 40% के हिसाब से 4,80,000 पड़ रही है। सर टेक्निकली देखिए ये तो अनड्यू हार्डशिप हो गई, ज्यादती हो गई उस बायर के साथ जो ऑलरेडी गरीब है। सर एक गरीब बायर जो किश्तों में जैसे तैसे पेमेंट कर रहा है, जैसे तैसे 2 लाख का एक्स्ट्रा खर्चा उठा रहा है, उसके ऊपर आप उस इंटरेस्ट को आप असेसिबल वैल्यू में जोड़ के उसके ऊपर 80,000 रुपए का सरप्लस टैक्स और चार्ज कर रहे हो।
सरप्लस ड्यूटी और चार्ज कर रहे हो। सर ये तो गरीब को मारने वाली बात हो गई, गरीब को और तंग करने वाली बात हो गई। तो चलिए सरकार ने कहा ठीक है जी, हम इस बात को मद्देनजर रखते हुए अब इस अनड्यू हार्डशिप को खत्म करते हैं और हम कहते हैं कि ड्यूटी निकालने के लिए इंटरेस्ट के एलिमेंट को आप असेसिबल वैल्यू में मत जोड़िएगा। यानी अगर आपके गाड़ी का प्राइस 10 लाख है तो आप इंटरेस्ट को इग्नोर करते हुए सिर्फ और सिर्फ 10 लाख को असेसिबल वैल्यू मानते हुए 10 लाख पे 4 लाख की ड्यूटी दीजिएगा। यानी आपसे भी हम ड्यूटी उतनी ही मांगेंगे जितने कैश परचेज वाले बायर से मांगी जा रही है। यानी टेक्निकली लॉ क्या बना कि जनरली इंटरेस्ट ऑन डिलेड पेमेंट या ये जो फाइनेंस का खर्चा है, फाइनेंशियल चार्जेस है, दैट शैल बी इग्नोर फॉर द पर्पस ऑफ कंप्यूटिंग कस्टम ड्यूटी। ये इंटरेस्ट की ट्रीटमेंट सिर्फ और सिर्फ कस्टम में ही है, ऐसा जीएसटी में नहीं है। जीएसटी में कुछ और प्रोविजंस हैं, वहां पे जाके हम उसको डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक है बेटा, अभी फिलहाल के लिए ध्यान रखिएगा इंटरेस्ट को कस्टम के अंदर इग्नोर किया गया है। लेकिन सरकार ने कहा सर हमने जैसे ही इंटरेस्ट को माफ किया ना, बहुत लोग आ गए जो अपने आप को बहुत स्मार्ट समझते थे, ओवर स्मार्ट समझते थे, बहुत शाणे थे। सरकार ने देखा जैसे ही इंटरेस्ट माफ हुआ ड्यूटी निकालने के लिए, लोगों ने एक प्लानिंग शुरू कर दी। कस्टमर ने कहा सेलर को, इंपोर्टर ने कहा एक्सपोर्टर को, देखिए सर आपको ना 12 लाख रुपए चाहिए किश्त मिला के, इंटरेस्ट मिला के आपको 12 लाख रुपए देने हैं, हमें ब्याज देना है आपको 2 लाख का और 10 लाख का हमें कैश प्राइस देना है जिसको हमें किश्तों में बांटना है। आपको 12 लाख की जरूरत है, हम आपको 12 लाख देंगे, बट रसीद में आप गुड्स का प्राइस 7 लाख और इंटरेस्ट 5 लाख लिख दीजिए। और ये जो 12 लाख की लेट से 10 किश्तें बनेंगी तो हर 10 किश्त 1,20,000 की होगी, तो सर 1,20,000 ही देंगे, लेकिन उस 1,20,000 में से 70,000 आप कैश प्राइस लिख देना प्रोडक्ट का और 50,000 इंटरेस्ट लिख देना। उससे क्या होगा, इंटरेस्ट को हम लेते नहीं तो असेसिबल वैल्यू हमारी खाली 7 लाख रहेगी, हम खड़े खड़े टैक्स इवेजन कर लेंगे, टैक्स की चोरी कर लेंगे ऑन 3 लाख। यानी अगर 10 लाख पे ड्यूटी देते तो पूरे 10 पे जाती 4 लाख रुपए, अब हम खाली 7 पे दे रहे हैं क्योंकि इंटरेस्ट को तो जोड़ना नहीं, तो 7 पे 40% की ड्यूटी लगेगी, हम खड़े खड़े 3 लाख पे 40% के हिसाब से 1,20,000 की टैक्स की चोरी कर लेंगे। सरकार ने ये इवेजन देखी, इस तरीके की प्लानिंग देखी, तो सरकार ने भी अपने लॉ में मॉडिफिकेशन की और उन्होंने कहा कि अगर हमें कभी भी लगा कि इंटरेस्ट के चलते आपका कैश प्राइस वेरी कर गया है, और ये कैश प्राइस देखना बहुत आसान है सर, जो बिना इंस्टॉलमेंट के गाड़ी खरीद रहा है उसकी गाड़ी 10 लाख की और जो इंस्टॉलमेंट में खरीद रहा है उसकी गाड़ी 7 लाख की, तो पक्का तय है डिस्काउंट तो मिला नहीं होगा क्योंकि इस बंदे ने पैसे तो अभी तक दिए ही नहीं, लेकिन इसका जो पेमेंट है वो डेफिनेटली इंटरेस्ट के अंदर सेट ऑफ हो गया होगा। यानी इंटरेस्ट लगने की वजह से उसका प्राइस इन्फ्लुएंस हो गया होगा, प्राइस फ्लक्चुएट हो गया होगा फॉर द पर्पस ऑफ टैक्स इवेजन। फिर इस इवेजन को खत्म करने के लिए हम इंटरेस्ट को इग्नोर नहीं करेंगे, रैदर उस इंटरेस्ट को हम ऐड कर देंगे और असेसिबल वैल्यू पूरी की पूरी 12 लाख लगाते हुए उस पर पूरा 4,80,000 का ड्यूटी लगा देंगे। यानी इंपोर्टर बोला सर दुहाई हो, ये क्या कर रहे हो, मैं तो गरीब हूँ, मेरे पे 80,000 का टैक्स ज्यादा क्यों लगा रहे हो। तो सरकार ने कहा भाई साहब तेरे को शानपंती करते वक्त समझ में नहीं आया था कि तू गरीब है, जब हमने तुझे शराफत से कहा था कि गाड़ी का दाम उतना ही रहने दे जितना कैश में खरीद रहे हैं, तो जितना ब्याज लग रहा है उसको हम इग्नोर कर देंगे, तेरे को ड्यूटी नहीं देनी, तो तेरे को चुल लुट रही थी, तेरे को जबरदस्ती था यहाँ पे आके उस प्राइस को मैनिपुलेट करना, अब क्योंकि तेरे इंटरेस्ट की वजह से प्राइस इन्फ्लुएंस हो गया है तो हम किसी की नहीं, हम पूरे के पूरे इंटरेस्ट के एलिमेंट को असेसिबल वैल्यू में ऐड कर देंगे। क्लियर है बेटा, यहां तक की बात क्लियर? तो एक बार यहां तक के लॉजिक को हम क्लियरली रिकैप करते हैं, देन हम इसको कंसेप्चुअली क्वेश्चंस के साथ अंडरस्टैंड करेंगे। तो हमने देखा था इंटरेस्ट ऑन डिलेड पेमेंट नॉर्मली एक क्रेडिट वाले देते हैं, देयरफॉर इंटरेस्ट को हम इग्नोर करते हैं टू अवॉइड अनड्यू हार्डशिप। लेकिन अगर हमें लगता है कि आप ओवर स्मार्ट बन रहे हो, प्राइस इन्फ्लुएंस हो रहा है, अगर प्राइस इन्फ्लुएंस हुआ तो हम पूरे इंटरेस्ट को ऐड कर देंगे, असेसिबल वैल्यू पूरी की पूरी 480 पे ड्यूटी चार्ज कर दी जाएगी। हाउएवर जनरल लॉ यही कहता है, हमारा जनरल लॉ यही है कि इंटरेस्ट को हम इग्नोर करेंगे, बट इस बात की एक्सेप्शन आ गई और एक्सेप्शन ये कह रही है कि अगर प्राइस इन्फ्लुएंस हुआ ड्यू टू इंटरेस्ट,
हमें दिखा कि प्राइस कम ज़्यादा हो रहा है चोरी के लिए, तो फिर हम इंटरेस्ट को पूरा ले जाके आपके अंदर आपकी टैक्सेबल वैल्यू में, असेसेबल वैल्यू में ऐड कर देंगे। ठीक है बेटा, इज दैट क्लियर? तो चलिए आज की क्लास को यहीं पे एक बार क्विक रिकैप के साथ वाइंड अप करते हैं। हमने फटाफट से देखा था रूल 10-1 के खर्चे। रूल 10-1 में हमें एक्सप्रेस्ड खर्चे बताए गए थे, जिसमें उन्होंने कहा था ये खर्चे आपको सिर्फ और सिर्फ तभी जोड़ने हैं जब आपको क्वेश्चन में ये खर्चे दिए जाए। उसके अंदर हमने सबसे पहला कमीशन देखा था। कमीशन के अंदर हमने कौन सा ले लिया? सेलिंग कमीशन को हमने ऐड कर दिया और बाइंग कमीशन को हमने इग्नोर कर दिया। सेलिंग जनरली रुपीस में होता था, लेकिन अगर कैनलाइजिंग एजेंट है तो फॉरेन करेंसी में भी हो सकता है। दूसरा हमने देखा था पैकिंग के बारे में बात की थी। पैकिंग उन्होंने कहा सर नॉर्मल पैकिंग है तो इसको आप ऐड कर दो, लेकिन अगर रिटर्नेबल पैकिंग है तो इसको हम इग्नोर कर देंगे, प्रिज्यूमिंग दैट ये पैकिंग 6 महीने के अंदर अंदर वापस चली गई हो फ्रॉम द डेट ऑफ इम्पोर्टेशन। तीसरा हमने देखा था यहाँ पे डिसमेंटलिंग एंड थर्ड हमने यहाँ पे देखा था रॉयल्टी। रॉयल्टी के लिए उन्होंने कहा सर कोई भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी पे जो भी पेमेंट जा रही है वो रॉयल्टी है, उसको जब हम किराए पे ले रहे हैं। अगर ये रॉयल्टी फॉर रीसेल है, उन कुछ को दोबारा बेचने पे है जो बाहर से इंपोर्ट हुए थे, तो इसको ऐड कर दो। लेकिन अगर ये रिप्रोडक्शन में यूज़ हो रही है, कोई अधिकार आया जिसमें हमें यहाँ पे गुड्स बनाने हैं, बाहर से कोई गुड्स नहीं आ रहे, तो इनको कस्टम के लिए नहीं लेंगे। हाँ, यहाँ पे इनटेंजिबल राइट आ रहा है, सर्विस आ रही है, तो इसको हम जीएसटी में ले जाके ट्रीट करेंगे। देन हमने देखा था डिसमेंटलिंग एंड इंस्टॉलेशन चार्जेस। हमने कहा सर डिसमेंटलिंग का खर्चा प्री इम्पोर्ट है, इसको ऐड कर दो, और जो इंस्टॉलेशन का खर्चा है ये पोस्ट इम्पोर्ट है, इसको इग्नोर कर देना। देन हमने देखा था डैमरेज का खर्चा। डैमरेज अगर इंडियन पोर्ट पे हो रहा है, गुड्स इंडियन पोर्ट पे उतरने के 30 डेज के अंदर नहीं क्लियर हो रहे, तो सर फिर हम आपके ऊपर पेनल्टी लगाते हैं, अगेन ये पोस्ट इंपोर्ट खर्चा है, इसको हम इग्नोर कर देंगे। देन हमने देखा इंस्पेक्शन का खर्चा। इंस्पेक्शन चार्जेस के लिए उन्होंने कहा सर अगर ये अगर इंस्पेक्ट कराना गुड्स को इंडिया में लगाने के बाद इंस्पेक्ट कराना प्री कंडीशन है, तो सर इसको फिर हम प्री इम्पोर्टेशन मानते हुए ऐड कर देंगे। लेकिन अगर ऐसी कोई कंडीशन नहीं है तो सर ऑब्वियसली बात है ये खर्चा इंडिया में हुआ है, देयरफॉर इसको हम इग्नोर कर देंगे। देन हमने देखा इसके बाद कोई भी इम्पोर्टर मटीरियल कॉम्पोनेंट्स या डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट वर्क बाहर से लेके आउटसाइड इंडिया से लेके इन लोगों को एक्सपोर्टर को दे रहा है फॉर देयर कंजम्पशन इन इंडिया, फॉर देयर कंजम्पशन इन आउटपुट टू बी इम्पोर्टेड इन इंडिया, तो हम इसको प्रोपोर्शनेट बेसिस पे ऐड कर देंगे। एंड देन लास्टली हमने देखा कोई भी इंटरेस्ट वगैरह चार्ज हो रहा है फॉर लेट पेमेंट, तो सर हमने कहा वैसे तो हम इसको नहीं लगाएंगे बिकॉज ये जनरली वो लोग खर्च करते हैं जिनकी परचेजिंग कैपेसिटी कम होती है, बट इस बात की एक्सेप्शन डाल दी। अगर हमें लगा कि इंटरेस्ट की वजह से प्राइस इन्फ्लुएंस हुआ है, कम हुआ है फॉर द पर्पस ऑफ टैक्स इवेजन, तो इसको हम ले जाके ऐड कर देंगे। क्लियर है बेटा? चलिए आज की क्लास को हम यहीं पे वाइंड अप करते हैं। इस बात को हम आगे कंक्लूड करेंगे विद प्रॉपर क्वेश्चन बैंक्स। टिल देन थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू बेटा, टिल नेक्स्ट क्लास।